Good morning, everyone. Good morning, everyone. Shashank Roy is back with the daily analysis editorial section. So good morning, Shambhavi. Good morning, Lakhimi Sharma, Manisha Maske, Jai Srinath, Akanksha Verma, Preeti Parmar, Adesh Srivastava. Very good morning. Pranita Roy, good morning. I hope you all are doing fine. Wish you a wonderful Sunday. और दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी बारिश हुई है तो उसके लिए भी मुबारकबाद. बहुत अच्छा मौसम हो गया है और दिल खुश हो गया मॉर्निंग का इन्वायरमेंट देख के. एक मिनट दीजिए मुझे और ये सेशन शुरू हो जाएगा. श्रुति कुलकर्णी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. कंचन ठाकुर, गुड मॉर्निंग. किरण सुधार, गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वंडरफुल डे अहेड. आपको भी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत दुख की बात है आदेश, बहुत बड़ी शिद्दत से इंतजार करने के बाद आज बारिश बहुत अच्छी हुई है दिल्ली एनसीआर में और दिल खुश हो गया. आज चाय पकौड़े का दिन है और बहुत ही मजा आने वाला है आज आज के दिन. सो डेली न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है. मैं शशांक रॉय, आपका एजुकेटर, और आपको लेके चलता हूँ देश दुनिया की खबरों के लिए, स्पेशली यूपीएससी से रिलेटेड सारे न्यूज के लिए. लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड टेल यू, लेट मी टेल यू व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो डेली एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस, इसमें द हिंदू प्राइमरली है, मेजर है. 9 बजे लाइव होना था, लाइव हम हो चुके हैं. 19 जुलाई की तारीख है, तारीख बेतारीख बेतारीख. आगे चलते हैं आपके लाइफ से जुड़े बहुत ही खूबसूरत कोट है. मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स. मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स. टोनी रॉबिन्स, ही इज माई फेवरेट एजुकेटर. काइंडली हैव अ लुक एट इट. मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स. बहुत से लोग जिंदगी में आपको मिलेंगे जो कि हमेशा क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं. उन्हें सब कुछ पता होगा, कहाँ की लड़ाई कैसे हुई, क्या क्या हुआ, लेकिन उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं रहेंगी. सो डू नॉट ट्राई टू मेजर इन माइनर थिंग्स. यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत देखने को मिलता है. यूपीएससी एग्जामिनेशन में देखेंगे कि आपको एक से एक प्रकांड पंडित मिल जाएंगे. अगर उनसे पॉलिटी की बात करें तो पूरे विश्व के इतिहास के बारे में बता देंगे. हिस्ट्री की बात करें तो पूरे विश्व के इतिहास के बारे में सब कुछ बता देंगे. बट प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करते हैं कि उन्हें वो चीज़ नहीं पता होती जो उन्हें पता करनी चाहिए. और यही रीज़न है कि इस एग्जामिनेशन में हम कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. हमारी एक वर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजनाओं में बदल जाती है. सो मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स. सो प्लीज लेट मी नो हाउ इज द कोट. क्या आपको ये कोट देख के मजा आया? क्या ये कहावत अपने स्टडी टेबल पे आप चिपकाना चाहेंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट अदर वन. सम न्यू अनाउंसमेंट्स हैं. आज हमारे 19 तारीख है और कल का वो दिन है, सोमवार का दिन, जब 3 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 20 जुलाई को. यूपीएससी 2020-2021 की बात कर रहे हैं. 3 बैचेस है. देखिए कैसे स्मार्ट से बहुत ही एनर्जेटिक एजुकेटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं पढ़ाने के लिए. आओ तो ठाकुर. और ये देखिए, ये दे ऑल आर द यू नो द स्ट्रॉन्ग मैन, आई मीन धाकड़ टीचर हैं यूपीएससी अनअकैडमी में. इनको अगर आप देखें, मिशन यूपीएससी 2021, बायलिंगुअल जीएस बैच है, हिंदी यूपीएससी सीएससी 2020-21, ये आपके हिंदी जीएस बैचेस हैं. और उसके बाद से एक्सपेडिशन यूपीएससी है 2021, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है. 20 जुलाई की तारीख है, फुल सिलेबस कवरेज है. प्रीलिम्स मेंस में अगर आपकी नैया पार होती है
तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जाएंगे, वहाँ पे भी ये टीचर्स शिक्षक आपके साथ खड़े रहेंगे एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। सो अगर आपका अगर आपका मिशन 2021 है, सो गो फॉर दिस कोर्स। एक बात तो तय है कि गिवन सिनेरियो में आपके पास अन अकेडमी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतने टीचर, इतने ढाकर टीचर, इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे एक जगह देखने को नहीं मिलेगी। सो घर बैठे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। पता चले दिल्ली UPSC तैयारी कराने के बहाने आप आए और आप हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐसा रिस्क आप लेने के बारे में सोचिएगा भी मत। 24 मंथ्स का जो कोर्स है दैट विल कॉस्ट यू 64,000 रुपीज़ एंड इफ़ यू यूज़ माई नेम, माई यूज़र कोड, आपको 10% का डिस्काउंट करें मिलेगा, तो जो ये होगा आपका 57,600। 12 मंथ्स के कोर्स का यू विल पे 44,000 रुपीज़ एंड अगर मेरा यूज़र रेफरल कोड यूज़ करते हैं सो इट विल कॉस्ट यू 39,600। सो इस तरीके से यू विल गेट 10% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे बाई यूजिंग माई रेफरल कोड। और इसके इस एक एजुकेटर के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि एजुकेटर का इन्फ्लुएंस दिखता है। सो अगर आपको UPSC 2020 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई डिलेमा हो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। नो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं 6, 12 and 24 मंथ्स के लिए। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। पैंडेमिक लीव्स उत्तराखंड पिलग्रिमेज इंडस्ट्री गैस्पिंग, ये है कावड़ी, उसको देखिए एक बार, इनकी दशा तो देखिए ऐसा लगता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जो लोग हैं, ऐसा लग रहा है ये क्या लिखा हुआ सरकार समथिंग लाइक दैट। इनको देखिए एक बार और यहाँ पे देखिए, ये आपका एक दूसरा है, यहाँ पे ये कैप्शन मैंने इसलिए लिया है, नो लेसन लर्न, पीपल थ्रॉन्गिंग एट कसिमेडू फिशिंग हार्बर इन चेन्नई ऑन सैटरडे इन वायोलेशन ऑफ द COVID-19 रिस्ट्रिक्शन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल नन बदर टू फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे चेन्नई में मार्केट है, फिश मार्केट है, फिशिंग हार्बर है कासीमेरू, यहाँ पे लॉकडाउन को हटाया गया और लोग बिना किसी चीज़ की परवाह किए लगातार एक दूसरे से मिलते चले जा रहे हैं। दैट्स अ सैड अफेयर, दैट इज सोर्स ऑफ वरी एंड दैट इज नॉट सोर्स ऑफ वरी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर ट्रांसमिशन हुआ तो लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव दिस एंटायर कम्युनिटी। आप सोच के देखिए कि ये ऐसा लगता है कि ये बारूद के ढेर पे बैठे हुए लोग हैं। हाउ कैन यू डू सो, हाउ कैन दिस बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पे आज कोरोना पैंडेमिक ने सिर्फ हमारे अपने बारे में नहीं बोला, हमें अपना देखभाल नहीं करना बल्कि बाकी लोगों को भी देखभाल करना है। या सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस इमेज को देख के अगर आप चाहें तो कुछ शब्दों में लिखिए जो भी आपके दिमाग में आता हो, जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आती हो। वॉल्यूम इंक्रीज है बच्चा, वॉल्यूम इंक्रीज है। अच्छा रुको किरण, एक मिनट रुको, मैं भी वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ। ओके सोर्स ऑफ वरी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस इमेज को देखिए और इस इमेज पे आपके दिमाग में जो भी आता है वो लिखना शुरू कीजिएगा। आई एम देयर विद यू, अभी नहीं लिखिएगा, अभी बिल्कुल मत लिखिएगा, पहले एक स्नैपशॉट ले लेने दीजिए। आज पता नहीं वॉल्यूम में क्या दिक्कत है, किरण भी बोल चुकी है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो कैन यू हियर मी, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 कैन यू हियर मी, गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हियर मी। अब तो जागना पड़ेगा, मैं बिल्कुल चेयर की एज पे बैठा हूं एंड शाउटिंग आउट माय लंग्स, माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 गिव मी अ थम्स अप। टीम गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, नहीं सुनाई दे रहा तो बच्चों बड़े अफसोस का विषय है, किससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। मैंने वॉल्यूम फुल पे कर रखा है लेकिन इसके बावजूद मेरी आवाज़ आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आई डोंट नो अबाउट इट। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट मल्स ऑस्ट्रेलियाज एंट्री इनटू मालाबार ड्रिल, ये आपका VIP है न्यूज़ है।
दिस इज अ VIP न्यूज फॉर यू। उसके अलावा स्टूडेंट डिसेबिलिटीज स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस, ये भी आप VIP मिलेंगे। सर्वे हाईलाइट नीड्स फॉर मोर एक्सेसिबल मटेरियल्स, और यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सारे टॉपिक्स को आप कवर करने जा रहे हैं एक छोटे से नन्हे मुन्ने आर्टिकल्स में, क्योंकि हमने सबके बारे में तो बात कर लिया बट वी डिडंट से एनीथिंग अबाउट डिसेबल्ड पीपल एंड स्पेशल नीड फॉर स्पेशल एजुकेटर्स। रिपोर्ट पॉलिटिक्स इज अ न्यू डी रिग्यो फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। अब हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ झगड़े देखे होंगे, जब आपने अपने घर में आसपास में झगड़े देखे होंगे, जब हमारे घर में झगड़ा होता है तो कई बार हमारे घर की भाभी, चाची, नानी तो नहीं जाती, दादी भी नहीं जाती, बट कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ जब औरतें नाराज़ हो जाती हैं, हमारी चाची भाभी लोग नाराज़ हो जाती हैं, तो मायके चली जाती हैं नाराज़ होके और मायके से जाके अपनी लड़ाई लड़ती हैं। ऐसा ही होता है इंडियन पॉलिटिक्स में भी ऐसा होने लगा है कि सबसे पहले जैसे ही कोई विरोधी दल होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, डिफेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले एक एयर कंडीशन बस में जाते हैं और होटल में रहना शुरू कर देते हैं। सो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज नाउ अ डी रिगर फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमारे घर में, हमारे समाज में, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे घर में नाराज़गी होती है, रूसा रूसी होती है, मान मनोबल हो जाता है, वो अपने मायके चली जाती हैं और हम उनको मनाते हैं, प्लीज़ वापस आ जाइए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं कि पहले तो हम तो ज़रूर घर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा कमरा अलग करो, मेरे कमरे में AC करो, हम तुम्हारी मम्मी से बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे पापा से बात नहीं करेंगे, और इस तरीके का माहौल बनता है। और ऐसा ही माहौल इंडियन पॉलिटिक्स में आ गया है। इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहले क्या होता है कि ये विरोधी दल जो है एक षड्यंत्र रचता है, दूसरे दल के साथ मिलता है और इस तरीके से एयर कंडीशन बस में बैठ के ये होटल पहुंच जाते हैं, कुछ दिन होटल में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि इन होटल का खर्चा कौन पे करता है। सो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज नाउ अ डी रिगो फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एंटी डिफेक्शन जो है इट्स अ कॉमन फीचर, शालिनी, कॉमन फीचर डी रिगो। सो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है और रोज़ ही हम अपने मतलब इंडियन पॉलिटी में तो रोज ही देखने को आते हैं। ओके, राजनाथ सिंह विजिट फॉरवर्ड पोस्ट अलोंग LOC इन कुपवाड़ा में राजनाथ सिंह आज विजिट करने गए हैं और सोल्जर्स के साथ, देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का फॉलो करते हुए ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दिस कम्स एमिड ग्रोइंग नंबर ऑफ सीज फायर वॉयलेशन, इंडिया विल पे हैवी प्राइस फॉर सेंटर्स कावर्डली एक्शन, ये विरोधी दल का कहना है। आगे चल के देखते हैं, गवर्नमेंट ओपन्स अप नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फॉर इंडिविजुअल डोनेशन। अब NDRF जो है वो ओपन हो चुका है फिर से इंडिविजुअल डोनेशन के लिए, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये इंडिविजुअल डोनेशन के लिए ओपन है तो PM केयर फंड का क्या हुआ मोदी सर? नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत से RTI फाइल हुए हैं, दैट वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद द PM केयर फंड, इज इट नॉट ओपन फॉर RTI? अभी बोल दिया गया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बट रियलिटी ये है कि PM केयर इज आइडियली अ पब्लिक अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है उसको भी डोनेशन के लिए ओपन कर दिया गया है, एंड अगैन इट विल ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत से पिटिशन फाइल होंगे। आगे चलते हैं, 35 million ईरानियन फेस इन्फेक्शन, रूहानी, President asked people to break the chain of transmission as total number cases jumped to 271,606. 35 million जो है ईरानी जो है वो इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पर डस्टबिन को देखे, डस्टबिन की भी आंखें जो है चकरा गई हैं, डस्टबिन ने भी मास्क लगा रखा है, राइट? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्या ईरान को इंडिया मदद कर सकता है थ्रू मेडिकल फार्मेसी? क्या इंडिया अपनी जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू इनको मदद कर सकता है, वेंटिलेटर्स की मदद कर सकता है? हमें वो सारे ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। आगे चलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, फास्ट पोटेंशियल अनरियलाइज्ड, आर्थर डी लिटिल मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, स्टडी फाइंड्स एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड एंड बेबीज ब्लड, नेसोफेरिंगियल एंड रेक्टल सैंपल्स टेस्टेड पॉजिटिव। तो अब ये खतरा बढ़ता जा रहा है, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस प्लेसेंटा, सो from the mother's blood, the virus causes placental infection and inflammation, gets into the neonatal's blood. अब हमारे पास जो newborn babies हैं, जो infants हैं, जो expected mothers हैं, they have to take extra care now. उनको extra careful होना है, they have to be extra careful. Now, the next one, previously unknown faults at the root of Himalayas discovered, this could cause earthquake in the densely populated Nepal region. So हमने क्या किया है, ये नया data आया हमारे पास,
उसके बाद से आर्मिंग इंडियाज पुअर अगेंस्ट पैंडेमिक वाइटमिन एंड न्यूट्रिशियस फूड सब्सिडी आर इंडिस्पेंसिबल इन दिस फाइट। सो हम यहाँ पे जनरली हम जो फूड की बात करते हैं फूड सब्सिडी की बात करते हैं ये अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 किलो राशन और 10 किलो राशन या 15 किलो राशन, चावल दाल तो नहीं मिलता, चावल और गेहूं मिल जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे, और बाकी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम हमने वो राशन कार्ड यूज़ किया है, अब वो हम राशन कार्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने थोड़ी सी कमाई करनी शुरू कर दी है और उसके चलते हम बीपीएल में नहीं आते। और पता नहीं बीपीएल में आई डोंट नो व्हाई पीपल फील प्रिविलेज्ड और आज भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। अब आप देखेंगे फूड सब्सिडी में जब हम बात करते हैं तो फूड हमें जो मिलता है दैट इज़ ओनली फॉर सर्वाइवल, बट हमें जो फूड है उसको विटामिंस एंड न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से देखना है। फूड जो हमें मिलना है पीडीएस स्टोर पे उसको हमें विटामिंस एंड न्यूट्रिशियस फूड के पर्सपेक्टिव से देखना है। हम यहाँ पे रिसर्च नहीं करेंगे कि हमें कितना विटामिन डी चाहिए और कितना क्या चाहिए, हम यहाँ पे ये रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, सिंस सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ विटामिन डी, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैज एन एडवांटेज ओवर नॉर्दर्न कंट्रीज। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, वन वुड एक्सपेक्ट नेचुरली डिराइव विटामिन डी लेवल्स टू बी गुड, यस इट इज नॉट सो, येट इट इज नॉट सो। सो हम यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग लेवल से कि हम न्यूट्रिशन को कैसे डिराइव करें और इस पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल करें। आगे देखेंगे, बहुत ही रिसर्च पेपर है, इन सारे रिसर्च में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पे करना है न्यूट्रिटिव फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण अभियान को हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ऐड करेंगे, हम डिग्निटी वर्ड को ऐड करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। Hi team, I'm back. So यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फूड के बारे में बात करेंगे, we will also talk about dignity. So dignity is not only about getting a ration, one nation card. सबसे बड़ा question है the food we are getting, is that fortified? जो सबसे बड़ा question है, जो food हमें मिल रहा है PDS store पे, is that fortified? वो फोर्टिफाइड फूड है। फोर्टिफाइड फूड का क्या मतलब है, ये फोर्टिफाइड नहीं है, इट्स फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड फूड, क्या हमें जो फूड मिल रहा है इज़ दैट न्यूट्रिशियस वन, क्या वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये आर्टिकल हम कवर करेंगे। द फ्यूजन ऑफ द डिवाइन एंड डायनेस्टिक, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में बात करेंगे और संगम लिटरेचर से इसको जोड़ के दिखाएंगे। आप अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर में या यूपीएससी प्रिपरेशन में चीज़ों को अगर आप अलग अलग पढ़ते हैं तो यू विल हैव अ टफ टाइम, और आपका एक वर्षीय यूपीएससी एग्जामिनेशन पंचवर्षीय यूपीएससी एग्जामिनेशन में बदल जाएगा। उस 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपके बच्चे हो जाए, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है आपका दिल टूट जाए, हो सकता है बनने चले थे आईएएस और आप अमीन और पटवारी का भी फॉर्म भरने लगे, डेस्परेशन इतना बढ़ जाए। सो इसी तरीके से मैं जब अब यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में अभी डिसीजन आया हुआ है द एक्स रॉयल्स ऑफ तिरुवनंतपुरम हैव रिटेन्ड द सेरेमोनियल राइट्स ओवर द टेम्पल बट इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमेटी। सो इस कमेटी को इस टेम्पल के जितने भी ट्रस्ट हैं, इस टेम्पल को जैसे भी हैंडल करना है, ठीक है, इस टेम्पल के अफेयर को जो भी चढ़ावा चढ़ता है, जो मैनेजमेंट है उसको सुपरवाइज करने का अधिकार मिल गया है एक्स रॉयल्स ऑफ तिरुवनंतपुरम को।
एक्स रॉयल्स ऑफ तिरुवनंतपुरम को, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो है ही, फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू रिलीजन के भी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर में द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और एक्स रॉयल्स ठीक है तंजावुर एक्स रॉयल फैमिली इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये तिरुवनंतपुरम टेंपल कैसे बना है, संगम लिटरेचर को, क्योंकि ये जो तालाब यहाँ पे देख रहे हैं वो इसकी विसिनिटी में है, संगम लिटरेचर में इसके बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं, व्हाई इंडिया इज आउट ऑफ द चाबहार रेल पोर्ट, ये आपका डेली ये आपके क्वेश्चन में से है। द हिंदू का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है, द हिंदू का आता है द हिंदू में एक सेक्शन आता है, संडे के दिन आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इसको जरूर पढ़ा कीजिए, FAQs के नाम से आता है ये आर्टिकल। दिस आर्टिकल कम्स अंडर द नेम ऑफ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सो चाबहार पोर्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सप्लेन्ड व्हाई एनुअल फ्लड्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको गर्म कर दीजिए, Why annual floods are essential for survival of Kaziranga National Park? We explain the role of floods in Kaziranga ecosystem, how increasing floods can become a problem, and what can be done to keep it in check. Kaziranga National Park के बारे में दुनिया को बहुत कुछ पता है, हर कोई जानता है, वहाँ गैंडे मिलते हैं और गैंडों के नाक पे एक सिंह होती है और सिंह को काटा जाता है और उसकी बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाक के ऊपर सिंह नहीं है, नहीं तो ना हमारी नाक बचती और नाक के ऊपर का सिंह बचता। ये गैंडे भी बहुत अफसोस कर रहे हैं, बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि भगवान ये ऐसा अन्याय क्यों किया, ये छोटी सी नाक पे सिंह देने की ज़रूरत क्या थी, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता था, कुछ और दे देते, लेकिन हाथियों को दांत दे दिया, हमारे नाक पे सिंह दे दिया और इसके चलते हम दोनों को मारा जाता है। सो दे आर सो सैड एंड हियर दिस इज बेबी राइनो, ही इज ऑल्सो थिंकिंग। आगे चलते हैं, अब ये सोचिए व्हाई एनुअल फ्लड्स आर एसेंशियल, हम एनुअल फ्लड्स को देखते हैं, कल भी हमने ये आर्टिकल कवर किया था जिसमें जियो टेक्सटाइल के बारे में हमने यूज़ किया था, लेकिन आज हम चल रहे हैं और देखेंगे एसेंशियलिटी ऑफ एनुअल फ्लड्स, एनुअल फ्लड्स की ज़रूरत क्यों है, आपको क्या लगता है एनुअल फ्लड्स के चलते क्या क्या चेंजेस होते होंगे। देखिए एनुअल फ्लड्स के बारे में हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि काजीरंगा में नेशनल एनुअल फ्लड आना क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है नेशनल एनुअल फ्लड्स आना क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है एनुअल फ्लड आना क्यों ज़रूरी है, व्हाई एनुअल फ्लड्स आर इम्पोर्टेंट इन काजीरंगा। चलिए पढ़ते हैं, A fresh wave of flood ravages Assam, killing 73 and affecting nearly 40 lakh people across the state. Okay, let me be a news reader for you. Good morning, welcome to Daily News and Analysis by Shashank Shekhar Roy, and we are calling from An Academy team. Now, as the fresh wave of floods ravages Assam, killing 73 and affecting nearly 40 lakh people across the state. 85% of Kaziranga National Park and Tiger Reserve remain submerged. On Thursday, Assam Chief Minister Subhanandan Sonowal visited the park to take stock of the situation. So far, 125 animals have been rescued, 86 have died, including rhinos, deer and wild boar in the sixth worst flood since 1988. So, 1988 से लेके अभी तक सबसे भयानक बाढ़ हादसा देखने को मिल रहा है, छठवीं बार ब्रह्मपुत्र जो है पूरे उफान के साथ आया हुआ है, जिसने 13 लोगों को मार दिया और 40 लाख लोग जो है बेघर हो गए हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% एरिया जो है वो पानी में डूबा हुआ है, राइट। सर्बानंदा सोनोवाल जो है चीफ मिनिस्टर साहब मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ येट द एनुअल डिल्यूज इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लड्स इन काजीरंगा इकोसिस्टम, हाउ इंक्रीजिंग हाई फ्लड्स कैन बिकम अ प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन बी डन टू कीप इट इन चेक। सो आपको यूपीएससी में इसलिए मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपका नजरिया अलग है, राइट, योर ओपिनियन इज डिफरेंट, मेनली बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर टेबल। नहीं, लेवल ऑफ वाटर टेबल तो वो एरिया वैसे भी वाटर टेबल के परस्पेक्टिव से अच्छा है। फाइन सिल्ट मेक सॉइल फर्टाइल, यस एब्सोल्युटली। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इकोसिस्टम बैलेंस, बिल्कुल सही बात है ना। अब आप लोग का दिमाग जो है काम करने लगा है, पहले भी दिमाग काम करता था। सो फ्लड्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स, अगर गैंजेटिक इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये फ्लड नहीं आते तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती।
ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होती। इंडो गैंजेटिक प्लेन में अगर फ्लड्स नहीं होते और वहाँ पे एक मिट्टी का लेयर नहीं होता तो शायद गैंजेटिक प्लेन इतना फर्टाइल नहीं होता। ओके, सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लड्स इन काजीरंगा इकोसिस्टम की अगर बात करें, असम इज ट्रेडिशनली फ्लड प्रोन। अराउंड 1055 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सैंडविच बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड कार्बी आंगलोंग हिल्स इज नो एक्सेप्शन। Among experts, there is a consensus that floods are necessary for Kaziranga by virtue of its ecosystem. It is a riverine ecosystem, not a solid landmass-based ecosystem, said P. Shivkumar. The entire area of Kaziranga, formed by alluvial deposits from the Brahmaputra and its tribute, is centered around the river. So, आप सबसे पहले जाएंगे northeastern states में, आप cover करेंगे। हमारे पास एक student है, अगर आप telegram group में हैं, तो अगर आपको Brahmaputra से related, Assam से related कोई भी doubt हो जाए, तो आप यहाँ पे लक्ष्मी शर्मा को कांटेक्ट कर सकती हैं। शी विल गिव यू इंच बाय इंच इन्फॉर्मेशन अबाउट काजीरंगा। शी इज अ रिसर्च स्कॉलर इन आवर ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी आंगलोंग के बीच में सैंडविच्ड है और ये असम का जो एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया है। ऑलरेडी अगर वाटर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र माइटी रिवर है, लगातार बहती रहती है। और असम को अगर आप देखेंगे सो असम इज नॉट अ वाटर स्कार्स रीजन। Assam is not a water scarce region. In fact, the entire northeastern state is not a water scarce region. So, alluvial deposits jo hai wo Brahmaputra mein bahut important hai aur uski tributary se aur ye Kaziranga National Park ke liye bahut important hai. According to Uttam Saikia, honorary wildlife warden of Kaziranga, flood plain ecosystem has not only been created by floods but also feeds off it. Regenerative nature of floods helps replenish Kaziranga's water bodies and maintain its landscape. A mix of wetlands, grasslands, semi-evergreen deciduous forest. Apart from that, the flood waters also function as a breeding ground for fish. The same fish are carried away by the receding water into Brahmaputra. In a way, the park replenishes the river's stock of fish too. So, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पढ़िए regenerative, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। Regenerative nature of floods help replenish Kaziranga's water bodies and maintain its landscape. Mix of wetlands, यहाँ पे लिखे mix of wetlands, grassland, semi-evergreen deciduous forest. Flood waters also function as a breeding ground for fish. The same fish are carried away by receding water into Brahmaputra. In a way, park replenishes the river's stock of fish too. The waters also help in get rid of unwanted plants such as water hyacinth, which collect the huge masses in landscape. In a herbivore dominated area like Kaziranga, it is important we maintain its grassland status. If it were not for the annual floods, the area would become a woodland. Team, kindly look at it. आज आपके knowledge का जो घड़ा है वो भर जाएगा ऊपर तक और वो छलकने लगेगा। आज आप घूमेंगे और बताएंगे तुमको काजीरंगा के बारे में पूछना है तो मेरे से पूछो, तुमको अगर काजीरंगा नेशनल पार्क के डाइवर्सिटी के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो। आप दावे के साथ कह पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, दिस इज वॉट वी आर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए काजीरंगा में ये गैंडे हैं, बिल्कुल पहाड़ियों पर चढ़ के बैठे हुए हैं। ये पूछ रहा है क्या हुआ भाई, पानी कम हुआ बता। बोले नहीं यार, पानी बिल्कुल कम नहीं है, क्या बताओ, सो सैड, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, ये घास हम खाते भी नहीं है। दिस इज बिलो आवर डिग्निटी टू ईट दिस ग्रास बिकॉज दिस इज नॉट न्यूट्रिशियस। हमें तो काजीरंगा के चारागाह में जो घास खाने थे वो खाना चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अवेलेबल। दैट इज वॉयलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट एंड दैट इज अगेन द वॉयलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कम से कम एक दो ट्रक घास भिजवा देते। Many also believe that floods are a way of a natural selection. A number of animals, especially the old, weak, cannot survive the floods. Only the ones with superior genes survive. आप एक बार देखिएगा survival of fittest की हम बात करते हैं क्या, हम अगर हम ये बात कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो बहुत ही ब्रूटल होगा और एब्सोल्युटली आई डोंट वांट टू टेक दैट स्टेटमेंट, बट क्या जो नेचुरल पैंडेमिक है वो भी एक तरीका है क्या? वो नेचुरल पैंडेमिक जो हमारे यहाँ डिजास्टर्स हैं, आर दे ऑल्सो अ वे ऑफ नेचुरल सेलेक्शन? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं। फ्लड्स आर अ वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अ नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेशली ओल्ड वीक कैन नॉट सर्वाइव द फ्लड्स। ओनली द वंस विद सुपीरियर जीन्स विल सर्वाइव। कैन द फ्लड्स बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर काजीरंगा? Earlier, big floods would come once in 10 years. Now, which takes the injured and orphaned animals to the park. Now, they happen every year.
He said, adding that massive deforestation in catchment areas or release of waters by dams upstream may be contributory factors. Climate change models, too, predict that the floods will become increasingly devastating with each year. Barring 2018, the year between 2016 and 17 have all featured high floods, the floods which submerged more than 60% of the park, killing and injuring hundreds of animals. Animals adapt naturally to floods, but when the water hit a certain level, they gravitate towards safer, higher ground of Karbi Anglong Hills. While in the past, Kaziranga and Karbi Anglong were the part of the same landscape, the animals now have to cross the bustling National Highway 37, which cuts across the state. Over the year, the highway is getting increasingly tough to cross. A few of nine wildlife corridors on Highway Panbari, Haldibari, Bagori, Harmati, Kanchajuri, Hatinandi, or Deosar, Chirang and Amburi are choked by traffic. So yahan pe zarurat ye hai ke mushrooming of hotels, restaurants, shops and ancillary structures of the tea industry has not helped either. As a result, animals that venture out of the park die either under wheels of the speedy vehicles, highway, or are killed by poachers who take advantage of their vulnerability. In the recent years, due to vigilant patrolling, these numbers have decreased. Those that remain in park, often young or the old, die by drowning entangled in the debris under waters as they try to swim. According to Varun Goswami, senior scientist at Conservation Initiative, the Assam-based, they said the wildlife Kaziranga landscape, wildlife in KNPTR have adapted to natural flood regime by finding refuge on higher ground south of park. If the safe passage is not ensured, major flood can cause serious losses. This year, 4 rhinos as well as a number of boar and deer have drowned and 40 hog deer have died in road accident. The authority will be able to ascertain the actual number of deaths only once the water recedes. Now, how does it affect the fringe villages? Ki baat kar lete hain. Okay, अरे प्रीति परमार चिंता नहीं करने का, अभी हिंदी वर्जन चलेगा, अभी इंग्लिश बुलेटिन चल रहा है बच्चा, अभी इंग्लिश बुलेटिन चल रहा है, उसके बाद से हिंदी बुलेटिन चलेगा. As per Sharma, at least 25 out of 75 fringe villages of the southern periphery of the park are affected by floods. Fleeing flood waters, animals stay from the boundary of the park and there is an increased interaction between humans and wildlife, at times leading to conflict. So, ये सारी कहानी आप देखेंगे. What measures are taken to prepare for the food? Preparedness begins a month before floods. The authorities keep a track of updates from Central Water Commission and monitor water levels in Brahmaputra tributaries upstream in Arunachal Pradesh. According to Dr. Pandey, the Civil Administration, Park Authority, NGOs and local communities work together to tackle the floods. To avoid disease outbreak, a door-to-door vaccination is organized every year pre-flood. Thereafter, camps are organized to create awareness against poaching and harming wild animals. Moreover, when the flood hits, Section 144 is imposed along NH-137, speed limits are enforced and fine levies. How helpful are Kaziranga's artificial highlands? Over the year, another mitigation measure has been artificial highlands 111 in the 90s and 33 in 2016-17 built inside the park for wild animals. These are highlands have helped a fair bit in reducing the number of animal casualties. तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये शेर बाबा को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई बूढ़ऊ चाचा यहाँ पे बिल्कुल बेड पे लेटे हुए हैं हाथ पैर पसार के, लेकिन रियलिटी ये है, ये बेचारा तैरते जिंदगी की लड़ाई लड़ते ये शेर जो है, ये टाइगर जो है बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया. एंड लकली इट वॉज फाउंड आउट बाई डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर में भी जो बूढ़े चाचा नहीं होते, जो दादा ताऊ जी होते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल पड़े होते हैं खटिया पे जो है पैर लटका के, और ये इनको लेके आते हैं. आगे चलते हैं. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एक्सपर्ट बिलीव दैट एम्फेसिस नीड्स टू बी पुट ऑन अ सिक्योरिंग एनिमल कॉरिडोर, इंश्योरिंग अ सेफ पैसेज टू द एंड. 35 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ NH-37 वॉज प्रपोज्ड बाय द सेंटर इन सेप्टेम्बर 2019. व्हाइल दिस फ्लाईओवर विल हेल्प, 35 किलोमीटर इज अ लेंथी स्ट्रेच एंड माइट टेक टाइम टू बिल्ड. So, the focus should be on doing quickly using modern technology that will cause minimal disturbances. ये बहुत बड़ी कहानी है, पढ़ते रहिएगा. लेकिन अब हम बाहर आते हैं. काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नोटिफिकेशन शुरू कीजिए, नोटेशन शुरू कीजिए, जल्दी से नोटेशन शुरू कीजिए. पहले तो आप ये लिखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं. आशा चौहान, आपकी मुराद पूरी होने वाली है.
फ्रिंज विलेज का मतलब ये है जो आसपास का एरिया है, जो किनारे पे बसे हुए एरियाज हैं उनको फ्रिंज विलेज बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज वी हैव अनदर एक्सपर्ट फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क, जोशीनाथ हैज रिटन, काजीरंगा'स फ्लोरा एंड फाउना लाइफ आर लिंक्ड टू द फ्लड्स दैट हेल्प रिचार्ज इट्स वेटलैंड्स एंड डिपॉजिट मिनरल रिच अलूवियल सॉइल टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ ग्रास दैट आर द मेन सोर्स फॉर हर्बीवोर्स। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास से यू नो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से दूसरी एक्सपर्ट आई हैं लक्ष्मी शर्मा, पार्ट वन में लिखती हैं, मेन रीजन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इज रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फ्लड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम बट इंक्रीजिंग हाइट हाई फ्लड क्रिएट बिकम अ मोर प्रॉब्लम। ये इनके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, एनुअल फ्लड इज इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम, सॉइल फर्टिलिटी, रीजेनरेटिव इकोसिस्टम, फ्लड्स हेल्प मेंटेन काजीरंगा लैंडस्केप। लक्ष्मी जी दूसरा आंसर, तीसरा आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि दो आंसर से ज़्यादा चेक नहीं करूँगा, ये तो बाकी बच्चे मुझे बोलेंगे आई डिस्क्रिमिनेट अदर्स। सो यू ऑल आर वेलकम। सबसे पहले सुनिए, अच्छे एस्पिरेंट की तरह समझना शुरू कीजिए। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाएंगे और अभी असम में जो जो चीज़ें हुई हैं पहले तो असम के बारे में पता करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेंगे क्योंकि असम लगातार चर्चा में है। अभी डिब्रू शेखोवा के बारे में आपने सुना होगा, डिब्रू शेखोवा, आप पता नहीं इसको नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, शेखोवा, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क देख लीजिएगा। ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि असम में ऑयल फील्ड्स में आग लगने से इस पूरे एरिया को, इकोसिस्टम को डैमेज हुआ है। डिब्रू शेखोवा की बात कर रहा हूं मैं, इसको देख लीजिएगा, असम के ऑयल फील्ड्स को देख लीजिएगा। अच्छा गुंजन, आई एम सो सॉरी, देख लीजिए मेरे ऊपर ब्लेम लग गया डिस्क्रिमिनेशन का। गुंजन पराश, रीजेनरेटिव वाटर बॉडीज मेंटेन लैंडस्केप वेटलैंड्स ग्रासलैंड सेमी एवरग्रीन डेसिड्यूअस फॉरेस्ट ब्रीडिंग बैलेंस नेचुरल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा गुंजन, यू आर ग्रेट, यू आर नाइस। प्रणीता रॉय, येस कोरोना इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, रिगार्ड कोरोना ओनली दोज हु विल सर्वाइव हुज इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग एंड वल्नरेबल टू दोज डिजीज विल बी मोर प्रोन टू कोरोना। देख लिया गुंजन, आप खुश हो जाओ। असम में डिब्रू शेखोवा को देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे गोल्डन लंगूर को, गोल्डन लंगूर को बोलेंगे, और इनकी हरकतों को हम देखेंगे, उसके बाद से गोल्डन टाइगर को। ऐसा क्या होता है कि असम में जो मिलता है गोल्डन हो जाता है? क्या असम में ऐसा कुछ है कि जो भी मिलता है वो टाइगर मिले तो भी गोल्डन मिलेगा, लंगूर मिले तो भी गोल्डन मिलेगा? अभी कुछ दिनों में आपको गैंडे जो है वो भी गोल्डन दिखने लगेंगे। सो वॉट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, द नेशन वॉन्ट्स टू नो टूडे दैट वॉट इज देयर अ कॉन्स्पिरेसी, इज देयर अ काइंड ऑफ जीन म्यूटेशन दैट दीज इवन द लंगूर्स आर लुकिंग लाइक गोल्डन एंड टाइगर्स आर ग्लोइंग इन गोल्डन कलर्स। And in future, we might see that even the gandas are looking, rhinos are looking golden. So, क्या है? क्या कारण है? आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. So, उसके अलावा आप ये सारे regenerative capacities के बारे में आपको बताया. उसके अलावा problem क्या है? The water also get rid of unwanted plants such as water hyacinth. जो भी जलकुंभी होती है, जल में जो पानी, जो भी जमावड़ा होता है फालतू खरपतवार का, वो भी बह के वहाँ से निकल जाता है इस बाढ़ में। सो बाढ़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एरिया है काजीरंगा, इसमें घास पात खाने वाले जानवर ज़्यादा हैं और ये ग्रासलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर ऐसा फ्लड नहीं आता तो एरिया जो है वेटलैंड के बजाय वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाता। अगर यहाँ पे लगातार बाढ़ नहीं आता तो एरिया है वेटलैंड्स के बजाय वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाता। बहुत से खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं जो जमने लगते हैं इस रिवरीन इकोसिस्टम में, लेकिन ये बाढ़ का पानी उन सारे खरपतवारों को निकाल के बाहर फेंक देता है, बहा के लेके जाता है, बोलता है तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के देखें, बहुत से लोग को ये दिखता है कि ये सर्वाइवल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन है, ये नेचुरल सेलेक्शन का एक तरीका है। प्रकृति जो है अपने हिसाब से चूज़ करती है, अपना तरीका है उसका हर किसी को चूज़ करने का। यहाँ पे इस बाढ़ में बहुत से एनिमल हैं जो वीक हैं, जो सरवाइव नहीं कर सकते, वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उनका हो जाता है। वो सिर्फ वही जानवर बसते हैं जो स्ट्रांग हैं, बोल्ड हैं, फिरोशियस हैं, जिनके जेनेटिक कोड जो है, जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से ये कुदरत का अपना तरीका है नेचुरल सिलेक्शन का। नाउ कैन द फ्लड्स बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर काजीरंगा? फ्लड काजीरंगा के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, पहले 10 साल में एक बार ब्रह्मपुत्रा रिवर में बाढ़ आता था। बड़ा ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुत्रा में हर साल ही बाढ़ आता है और ये कॉमन फीचर हो गया है। अभी पहले जब 10 सालों में बाढ़ आता था तो एक बहुत ही रीजेनरेटिव प्रोसेस हुआ करता था, बट अब रीजेनरेशन से ज़्यादा डीजेनरेशन होने लगा है, हर साल ये मामला देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैचमेंट एरिया है, या फिर जो कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ की
पानी मैक्सिमम कलेक्ट होता है, वहाँ पे अफॉरेस्टेशन नहीं है। अफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन है, मतलब पेड़ को जंगलों को काट दिया गया है जिसके चलते पानी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट के हटा देना। जंगल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जंगल में जो पेड़ की जड़ें हैं, दीदी को बंद कर दीजिए ठीक से, दीदी प्लीज बंद कर दीजिए। जंगलों जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी की जड़ों को जो है पकड़ के रखते हैं और बाढ़ के टाइम में उन्हें बहने नहीं देते। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो जड़ नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा तो मृदा संरक्षण नहीं हो पाएगा। उसके अलावा 2016-2020 की बात करें, 2016 और 2020 के बीच में जितने भी फ्लड्स आए हैं दे आर हाई फ्लड्स। हाई फ्लड्स का मतलब ये है कि जब काजीरंगा का 60% एरिया जो है डूब जाता है और उसके बाद से क्या होता है कि जानवरों को पलायन करना पड़ता है हाई ग्राउंड्स की तरफ, और ये सिचुएशन जो होता है बहुत रिस्क होता है। पिछले कई सालों में देखा गया है, पिछले कई सालों से लगातार जो है हाई फ्लड आ रहे हैं। ये काजीरंगा का एरिया है, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काजीरंगा और कार्बी अंगलोंग की बात करें, वो सारे लैंडस्केप एक ही हैं। 9 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं, पनबरी, हल्दीबारी और बगोरी और बहुत से 6-7 और हैं। इन जो कॉरिडोर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन कॉरिडोर्स के चलते परेशानी भी है। परेशानी ये है कि जब जानवर इसको क्रॉस करते हैं तो वो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, कुचल जाते हैं, जिसके चलते उनको बहुत से जानमाल की हानि हो जाती है। हालांकि सेक्शन 144 लगा दिया गया है, गाड़ियों के स्पीड में चलने पे मनाही की गई है, उनका चालान काटा गया है, बट कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड, आदतें बदलती हैं। उसके अलावा चाय के बगानों ने और इन सारे होटल्स ने, रेस्टोरेंट्स ने वहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट कर रखा है। उसके अलावा जानवर जब इन सारे रोड्स को क्रॉस करते हैं तो या तो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर झटका लगने से, टक्कर लगने से दे कोलैप्स ऑन द स्पॉट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वरुण गोस्वामी, वाइल्ड लाइफ इन KNPTR हैव अडॉप्टेड अ नेचुरल फ्लड रिजीम बाय फाइंडिंग रिफ्यूज। अब वाइल्ड लाइफ में कहते हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें, तो इन सारे बाढ़ के मामलों को देखेंगे तो अब वहाँ के इकोसिस्टम ने, वहाँ के एनिमल्स ने अपने आप को अडाप्ट करना शुरू कर दिया है। जब भी बाढ़ आता है तो वो हाई ग्राउंड्स की तरफ चले जाते हैं, बट हाई ग्राउंड्स की तरफ हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। कई बार वो फंस जाते हैं एंड दे कोलैप्स ऑन द वे, कई बार गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं और इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। उसमें भी जो इधर मेजॉरिटी ऑफ जो बाढ़ आए हैं वो हाई फ्लड्स हैं। हाई फ्लड्स का मतलब जब काजीरंगा का 60% एरिया जो है वो पानी में डूब जाता है। नाउ गांव के विलेज कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली जो काजीरंगा के आसपास के विलेजेस हैं वो भी इंपैक्ट होंगे, बिल्कुल इंपैक्ट होने हैं। ये देखिए हाथ यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, जय गणेश भगवान, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नाउ हमने क्या किया है, प्रिपरेशन कैसे किया है, हमने एक महीने पहले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट ली है। कोरोना वायरस के टाइम में किसी की भी लाइफ इजी नहीं रह गई है, नो वन्स लाइफ इज इजी इन कोरोना वायरस। सो टेकन फॉर प्रिपेयर, ये प्रिपरेशन की बात है, सिंपल। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। काजीरंगा में आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाने की बात की गई है, बने हुए हैं और बहुत से एरियाज ने इनमें बचाव भी किया है। ये देखिए शेर बाबा को, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें 30 किलोमीटर फ्लाईओवर जो कंस्ट्रक्टेड है उसको, मतलब ये बहुत अच्छा होगा अगर ये 35 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन जाएगा, बट 35 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, कई साल लगेंगे बनाने में। और अगर लेकिन अगर ये बन जाएगा तो रोड में जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इनमें बहुत बचत हो जाएगी, इतने जानवर नहीं मारे जाएंगे, उनको सेफ किया जा सकता है। हमें आर्टिफिशियल ग्राउंड्स को बनाने की ज़रूरत है। कैन वी डू, क्या हम यहाँ पे, अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके की माइनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पार्क के अंदर बंद कर दिया, एंड इन द इंटायर कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर्स that originated in Karbi Anglong hill ranges and flow into Kaziranga, as well as new construction activities in private lands on 9 animal corridor. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी माइनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दिया है। जो कैटमेंट एरिया रिवर्स का है उस एरिया में कोई सारा रोक लगा दिया, प्लस जो भी एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, एंसिलियरी एक्टिविटीज़ हैं प्राइवेट लैंड्स पे, उन सब पे रोक लगा दिया है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है। उसके अलावा काजीरंगा जो है वो रिच है अपने ग्रासलैंड हैबिटेट के लिए।
primary role to play is supporting these wildlife population, but the highlands of Karbi Anglong, where these animals take refuge, are the lifeline of the park during the floods. So Karbi Anglong में जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पर ये बिल्कुल एक lifeline है. फ्लड्स के टाइम में ये जानवर इन पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं और पहाड़ियों पर इंतज़ार करते हैं कि कब ब्रह्मपुत्र रिवर का गुस्सा शांत होगा और वो अपना पानी लेके यहाँ से चला जाएगा. सो ये रहा आपके कार्बी आंगलोंग से रिलेटेड. आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा. बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, अर्थक्वेक प्रॉन, किसी भी मैटर को ले लीजिए, दे आर ऑलवेज इन द न्यूज. गोल्डन लंगूर, वहाँ का सब कुछ गोल्डन है. एवरीथिंग दैट ग्लोज, एवरीथिंग इज देयर इन असम, काजीरंगा, दैट इज गोल्डन, एक्सेप्ट एलिफेंट्स एंड राइनोज. गोल्डन लंगूर अभी न्यूज में था. उसके अलावा आप देखेंगे असम में आपका गोल्डन टाइगर है. वो गोल्डन टाइगर के स्ट्राइप्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसा माना जाता है अ टाइगर कैन नेवर लूज इट्स स्ट्राइप. एक चीता, एक टाइगर जो है उसकी धारियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इस गोल्डन टाइगर को देखने के बाद लगा जो बोला था वो गलत है. सो अब मैं देखता हूँ आपने क्या क्या जॉट डाउन किया है. प्रणीता रॉय, दे ब्रीड इनसाइड दिस ओन क्लेम who prohibit genetic mutation cause less immune, okay? Due to climate change, global warming, evergreen forest, speed of rivers. अब चलते हैं असम का कल्चरल एस्पेक्ट जरा एक्सप्लोर कर लीजिए. असम का कल्चरल कल्चरल एस्पेक्ट भी एक बार याद कर लेते हैं. असम में कौन से डांस फॉर्म है जो हम याद करने चाहिए? असम में हमने हालांकि पढ़ा है काजीरंगा नेशनल पार्क, बट असम इज नॉट ऑल अबाउट काजीरंगा. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नॉट ऑल अबाउट काजीरंगा और मानस टाइगर रिजर्व. आपको याद करना है मानस टाइगर रिजर्व और उसके अलावा बूढ़ी चपोड़ी है, बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं असम में, उनको आप याद करेंगे. उसके अलावा और क्या याद करने वाले हैं आप जरा मुझे बताइए. जब हम आए हैं यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र रिवर मजौली रिवरिन आइलैंड से होके जाएगी. MAJAULI, मजौली रिवरिन आइलैंड. मजौली जो है वैष्णविज्म का एक सेंटर है. रिवरिन आइलैंड, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे सत्रिया डांस को देख के चलिए, कम से कम भगवान की पूजा कर लीजिए. हे प्रभु हमें बाढ़ से बचा लीजिए. शंकर देवा के बारे में आप पता करेंगे, शंकर देवा के बारे में पता करेंगे. आप नामघर के बारे में पता करेंगे, नामघर क्या है, जहाँ पे प्रेयर किया जाता है सत्रिया कम्युनिटी में. आप डांस फॉर्म जो है, सत्रिया एक डांस फॉर्म है, वैष्णविज्म का बहुत बड़ा सेंटर रहा है. मजौली आइलैंड जो है दिन ब दिन रिड्यूस होता जा रहा है. ये रिवरीन आइलैंड है मजौली, और वैष्णविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है सिंस एंशियंट टाइम. सत्रिया डांस को कवर करेंगे. सिर्फ काजीरंगा में खो के मत रहिए, सिर्फ काजीरंगा में खो के मत रहिए. बिहू सबको पता है, ठीक है. उसके अलावा जो भी डांस फॉर्म है, बुगुरुम्बा, आई थिंक बुगुरुम्बा इज अ डांस फॉर्म देयर. शंकर देवा भक्ति मोमेंट से बिल्कुल. शालिनी जी अब याद कीजिए कि आप शंकर देवा जो हैं वो, शंकर देवा जो हैं वो बाढ़ के पानी में जो हैं डूबे हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं. इमेजिन कीजिए कि शंकर देवा जो हैं उन्होंने अपने लुंगी को, अपनी धोती को ऊपर तक बांध रखा है घुटनों तक, और साउथ इंडियन स्टाइल में, और पानी में डूबे हुए हैं, और वो विष्णु भगवान का नाम ले रहे हैं, हे प्रभु बचाइए हमें. तो क्या होगा, एक बार बाढ़ का ये दृश्य क्रिएट कीजिए. इमेजिन कीजिए एक बाढ़ का पानी है जहाँ गैंडे हैं, गोल्डन लंगूर है, गोल्डन लंगूर जो है गैंडे के ऊपर बैठा हुआ है, और शेर जो है डूबने के कगार पे है, चीता टाइगर. और इमेजिन कीजिए एवरीथिंग, कार्बी आंगलोंग को याद कीजिए, ब्रह्मपुत्रा के लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद कीजिए. रिमेंबर एवरीथिंग, इमेजिन कीजिए. इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट पावर. अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो पूरी की पूरी हर चीज़ यूपीएससी में आपको कोई रोक नहीं सकता. ये जिंदगी के अलग अलग एरियाज में आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे. आप वो सारे डांस फॉर्म याद कीजिए, बिहू दुनिया भर को पता है, ठीक है, बुगुरुम्बा डांस स्टाइल है, और बाकी जो डांस स्टाइल्स हैं उनको आप देख लीजिए. असम के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको देख लीजिए. दिब्रू शेखोवा को क्यों लाइमलाइट में था वो याद कर लीजिए आप, और इस तरीके से आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी. टाटा स्काई का नेटवर्क लें या ना लें, आपकी लाइफ जो है झिंगा लाला हो जाएगी अगर इस तरीके से याद करना शुरू करेंगे आप. आप यहाँ पे गैंडे की पीठ पे गोल्डन लंगूर को बिठा दीजिए और गोल्डन टाइगर को बिठा दीजिए, यहाँ पे दोनों को यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है, और इस तरीके से आप याद कर लेंगे. भोरताल, बुगुरुम्बा, झूमर डांस, बिहू, सत्रिया, उजापाली डांस फॉर्म, क्या बात है. थैंक यू सो मच, जय श्रीनाथ, आपको शत शत नमन इस एजुकेटर की मदद करने के लिए. इतने ढेर सारे डांस फॉर्म्स. किरण, उससे बाहर, आप इकोसिस्टम से बाहर निकलिए,
किरण सुथार, इकोसिस्टम से बाहर निकलिए और अब जरा कल्चरल एस्पेक्ट को भी काउंट कर लीजिए। थैंक यू आशा, गुड। और जो भी आपके मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसको लक्ष्मी शर्मा ने डिटेल दे दिया है। ये दोनों सिस्टर्स जो हैं, जयश्री ने डांस फॉर्म्स के बारे में लिखा है और लक्ष्मी जो हैं, ये इन्होंने वहाँ के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सबकी डिटेल्स दे दी है। माई मेघा कीर्ति जो है पार्ट टू लिखा है इन्होंने, दिब्रू शिकोवा फायर्स ओरांग लंगूर ऑरेंज, ओके ओरांग लंगूर एंड टाइगर राइनो वेटलैंड ग्रास लैंड डिफॉरेस्ट मेंटेनेंस, ओके जियो टेक्सटाइल ऐड किया है, आई फ्लो एन डी एम ए एस डी एम ए सेंडाई फ्रेमवर्क एस डी जी लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर। थैंक यू सो मच मेघा टीम। यहाँ पे आप इसको सिर्फ असम तक इसको सीमित मत रखिए, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ऐड कर दीजिए। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में बात कर लीजिए, क्या इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल हो सकता है, क्या इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स अलाइन हो सकता है इन सारी चीज़ों में। उसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन में अभी 10 और साइट्स ऐड हुए हैं, किसमें, रामसार में। रामसार का मतलब ये नहीं है कि राम जी का कोई लेना देना था, ऐसा हो सकता है। आज नेपाल ने बोला है कि राम जी की जो अयोध्या है वो नेपाल में है, कल ईरान बोल सकता है कि रामसार इसलिए है क्योंकि रामसार रामचंद्र जी को डिबरी में तेल जलाने के लिए तेल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, वो ईरान आए थे और इस शहर से तेल निकाल के ले गए थे। कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने का कुछ भी नहीं है। सो रामसार साइट्स के बारे में याद रखेंगे क्योंकि इस बार 10 एरियाज और ऐड हुए हैं। वेटलैंड्स के बारे में याद रखेंगे, आप ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करेंगे, कार्बी अंगलोंग एरिया को याद करेंगे और सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, छठवां स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला जाता है, सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला जाता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। टीम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, छठा संविधान के छठवें अध्यादेश क्या बोलते हैं, सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बोला गया है। नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, आप उल्फा के बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे असम के बॉर्डर को कौन कौन टच करता है, कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और कौन कौन सी नेशनल बाउंड्रीज हैं। आशा चौहान, एवरीथिंग इज नॉट गोल्डन बच्चा, मैंने मजाक किया था, एवरीथिंग इज नॉट गोल्डन। मेखेला चादोर पवन इनामदार, क्या बात है, परमार पूजा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। गुंजन पराशर, यस बच्चे लोग देखिए नहीं, मूक दर्शक मत बनिए मेरे सेशन में, पार्टिसिपेट कीजिए, आपको एक अक्षर आता है वो लिखिए और बाबा रणछोड़ दास चांचड़ का आशीर्वाद रहेगा तो आप बहुत ग्रो करेंगे। तो विकास तिवारी, प्रणीता रॉय, यू आर साइलेंट टुडे, शांभवी दुबे, आपकी आज खनक नहीं दिख रही, मनीषा मास्के, आप साइलेंट ऑब्जर्वर बन गए हैं, आकांक्षा वर्मा, आपका आंसर मैंने देखा, आदेश श्रीवास्तव, आपने एक लफ्ज नहीं बोला, कंचन ठाकुर, आप नए मेहमान हैं, प्लीज कुछ बोलिए, अनामिका शुक्ला जी, शुक्ला जी आपके कुछ बोल बचन आएंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में। गुंजन पराशर, प्राची गुप्ता, काइंडली पार्टिसिपेट। Kindly participate in the process. बच्चे लोग सचिन जोरागे, सचिन प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। शगुन तोमर, कुछ अपने वचन भेजिए, इधर लिखिए। Increase ground water. Fine silt makes soil fertile. Okay, good Shagun. Thank you so much. We have two Shaguns. One is Shagun Chopra and we have Shagun Tomar. प्रणीता परमार, प्रणीता रॉय आपका आंसर पढ़ लिया, फरोज तनवीर हेलो, हाँ देख लिया गुंजन, नाराज मत हो बच्चे, ऐसे डांटो नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करो, मैंने देख लिया आपका आंसर। अच्छा यहां पे देखिए रीजनलिज्म, रीजनल शाउनिज्म जो है ना
लक्ष्मी शर्मा लिखते हैं सर असम के लोग गोल्डन हैं। अच्छा तो नॉर्थ जो नॉर्थ इंडिया है वहां के लोग क्या है? असम इज सैंडविच बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड अंगलोर प्रणिता रॉय द ब्रेड इन साइड देर ओन क्लैन ओके गुड लीड्स टू सॉइल इरोशन किरण सुथार अच्छा वाई इज एवरीथिंग इज गोल्डन। अरे नहीं आशा कहाँ एवरीथिंग गोल्डन है, कहाँ सिर्फ गोल्डन लंगूर ही तो गोल्डन है और उसके बाद से टाइगर भी गोल्डन है। लक्ष्मी की बात में मत आइएगा, लक्ष्मी की बात में मत आइएगा, एवरीथिंग इज गोल्डन इन असम, सब कुछ गोल्डन नहीं है। जो टाइगर गोल्डन है उसके बारे में प्रणिता ने एक्सप्लेन कर दिया है। प्राची असम में स्मॉल टर्टल को स्टेट एनिमल है, टीम असम का स्टेट एनिमल क्या है प्राची पूछती है। आइला आदेश कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास है एंड आई वॉन्ट यू यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड लाइक अ वीआईपी। मैं बस आपके अंदर को सुल्तान को आवाज दे रहा था, ए सुल्तान जो आदेश के अंदर सोया पड़ा है जाग जा, तेरे जागने का टाइम आ गया है। सो मैं जानता हूं अगले दो दिनों में आप अपना आंसर लिखेंगे। आकांक्षा वर्मा ओके पार्ट टू असम बिहू सत्रिया दिब्रू शिकोवा ऑयल फील्ड सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भूटान बांग्लादेश सिक्किम एंड चिकन नेक टीम असम बहुत और भी मामलों में इंपॉर्टेंट है। चलिए सुबानसिरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन रिवर, देख लीजिए मोहम्मद काजमी सब के सब यहाँ असम में पाई जाने वाली चीजों को गोल्डन बनाने में लगे हैं। वी विल नॉट गेट इनटू दैट। नाउ एक और आर्टिकल मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आज संडे है, संडे का सेशन जो है थोड़ा सा लाइट लिया जाएगा। संडे का सेशन बस आपको एक आइडिया देना था, ये आर्टिकल आपको पढ़ लेना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया। अब दूसरा आर्टिकल मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो है इंडिया के बारे में, आर्मिंग इंडिया पुअर अगेंस्ट द पैंडेमिक। ये देखते हैं इसको हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है इस स्क्रीन पे सब कुछ दिखाना। ये आपको बहुत अच्छा आर्टिकल देने वाला है, मैं चलता हूं उसको कवर करने के लिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल। There have been considerable discussion on the scientific, scientific circles on the importance of vitamin D in these days of the COVID-19 pandemic. यहाँ COVID-19 pandemic के time में, COVID-19 pandemic के time में प्राची यहाँ पे जॉय श्रीनाथ ने आपके question का answer दिया है। Turtle is not the state animal. Arming India's poor against the pandemic, vitamin and nutritious food subsidy are indispensable in this fight. हमें खाना तो चाहिए सरकार साहिब, वी आर हंग्री, लेकिन वो डबल वो सब स्टैंडर्ड फूड मत प्रोवाइड कीजिए। डू नॉट गिव अस अ सब स्टैंडर्ड फूड हियर, वाइटमिन एंड न्यूट्रिशियस फूड सब्सिडी आर इंडिस्पेंसिबल इन दिस फाइट। यहाँ पे वाइटमिन डी का इंपॉर्टेंस क्या है आप चलते हैं देखते हैं वाइटमिन डी का इंपॉर्टेंस क्या है। वाइटमिन डी आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको सनलाइट से मिलता है, नेचुरल वाइटमिन डी। लेकिन हम अगर देखा जाए तो इंडिया में मास पॉपुलेशन में वाइटमिन डी का जो है बहुत ज़्यादा लैप्स हो गया है। वाइटमिन डी ऐसा नहीं होगा कि सुबह से शाम तक आप बैठ जाइए सनलाइट में और आपको वाइटमिन डी जो है आपकी बॉडी में भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको 9 AM से पहले जाके धूप में खड़ा होना होगा, अदरवाइज यू विल हैव वाइटमिन डी डिफिशियंसी। सो there have been considerable discussion in scientific community on the importance of vitamin D in these days of COVID-19 pandemic. Mariam Idabi and Aldo Montana Loza have published a paper titled Perspective Improving Vitamin D Status in Management of COVID-19 Pandemic. So, ek paper publish hua hai, jab se COVID-19 pandemic ka prachand war chalna shuru hua hai, tab se social circles mein, scientific communities mein, hum baat karne lage hain vitamin D ke importance ke bare mein. अभी एक पेपर भी पब्लिश हुआ है पर्सपेक्टिव इंप्रूविंग विटामिन डी स्टेटस इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। सो विटामिन डी का क्या रोल है कोविड-19 पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, चलिए ये देखते हैं। नाउ ये पेपर क्या कहता है, दिस पेपर पॉइंट्स आउट हाउ विटामिन डी डिफिशियंसी कैन अफेक्ट कोविड-19 हाई रिस्क पेशेंट्स पर्टिकुलरली दोज हु आर डायबिटिक हैव हार्ट कंडीशन निमोनिया ओबेसिटी एंड दोज हु स्मोक इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग इंजुरी।
सो इस तरीके से इस पेपर में ये बताया गया है कि इस किस तरीके से विटामिन डी की डिफिशियंसी के चलते बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो सकता है, और अगर विटामिन डी डिफिशियंसी को कंट्रोल कर दिया जाए तो बहुत से कोविड 19 के हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि जो डायबिटिक हैं, हार्ट कंडीशन जिनके कॉम्प्रोमाइज है, निमोनिया है, जो मोटापे के शिकार हैं, जो स्मोक करते हैं, उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग इंजरी से भी इन्फेक्शन से भी जो इम्पैक्टेड हैं, जिनको भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग इंजरी है उनको भी कंट्रोल करेगा, उनके लिए भी मददगार साबित होगा विटामिन डी। अब विटामिन डी का मतलब क्या है? ये आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। नेचुरली अगर आप देखेंगे तो सनलाइट से आपको विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी आप समझ लें, नॉर्मल लैंग्वेज में कैल्शियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपकी हड्डियां जो है भंगुर हो सकती हैं, उनमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो घरों में होते हैं तो हम उनके लिए ढेर सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं कि कहीं बाथरूम में वो फिसले नहीं, हम रेलिंग लगा लेते हैं ताकि हमारी बूढ़ी माँ बूढ़े पापा जो हैं वो कहीं फिसले नहीं, एंटी स्लिपिंग टाइल लगा लेते हैं, क्योंकि बुजुर्गी जब होती है उस समय विटामिन डी का बनना कम हो जाता है। इसके चलते हम ये सारी सुविधाएं देखते हैं। दूध इसलिए बच्चों को पिलाया जाता है और दूध का लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब चलते हैं। बिसाइड्स विटामिन डी इज नोन टू हेल्प इन हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम डैमेज, प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज एंड हेल्प स्टॉप टिश्यूज फ्रॉम फॉर्मिंग फाइबर्स एंड weakening bones from becoming brittle leading to osteoporosis. Thus the level of vitamin D bodies need to be monitored when necessary and administered in appropriate dose and frequency externally by a trained clinician. हमने न्यूट्रिशन के बारे में क्या हमने देखा है? हम सिर्फ दाल चावल रोटी के बारे में हम बात करते आ रहे हैं, और ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती बॉलीवुड के स्टार्स की है जिन्होंने बार बार रोटी कपड़ा मकान की बात की है, कभी ब्रेड और बटर की इन्होंने बात ही नहीं की। सो विटामिन डी का जोक सपाट, विटामिन डी की बात क्या है, ये आपकी बोन्स को अच्छा रखता है, आपके सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से बचाता है, किसी भी तरीके से टिश्यूज़ का जो डैमेज है उसको रोकता है, आपके जो कई बार लीगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं इन सारे चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है आपकी बोन डेंसिटी के लिए, क्योंकि अगर हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं तो बॉडी मजबूत हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं, हम सारे रिसर्च में हम नहीं जाएंगे, विटामिन डी एंड प्रिवेलेंस नहीं पढ़ेंगे। नाउ कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, आप सूरज की रोशनी में जाके खड़े हो जाइए, 9 बजे से पहले खड़े होंगे तो उस समय अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होती और आपको आपकी बॉडी जो है विटामिन अब्जॉर्ब करेगी, विटामिन डी अब्जॉर्ब करेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होती जाएंगी, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। सिंस सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ विटामिन डी, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव एन एडवांटेज ओवर द नॉर्दर्न कंट्रीज, इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री वन वुड एक्सपेक्ट नेचुरली डिराइव्ड विटामिन डी लेवल्स टू बी गुड, येट इट इज नॉट सो। इंडिया का क्या है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरता है, तो यहाँ पे सनशाइन की कमी नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसीलिए बनाया गया कि ट्रॉपिक्स के बीच में जो भी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। अभी इसमें 122 मेंबर हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील के टाइम में हुई थी 2015 में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी जम के मेजबानी की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैंने आपको एक एडिशनल दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सनलाइट इंपॉर्टेंट किस लिए है, विटामिन डी के लिए, ट्रॉपिकल कंट्री होने के चलते हमारे लोगों में विटामिन डी की कमी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है, विटामिन डी की बहुत डिफिशियंसी है इंडियन मासेस में। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक पेपर पब्लिश हुआ है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ विटामिन डी लेवल इन अपेरेंटली हेल्दी इंडियन पॉपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इट्स एसोसिएटेड फैक्टर्स। यहाँ पे एक पेपर हुआ है कि जिसमें विटामिन डी का सिस्टमेटिक एनालिसिस किया गया है इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर और उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ देखें, ऑथर्स का कंक्लूजन ये है, इंडिया नेशन ऑफ अबंडेंट सनशाइन इज सरप्राइजिंगली फाउंड टू हैव अ मैसिव बर्डन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी अमंग द पब्लिक इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, अर्बन और रूरल, एज और जेंडर, वेदर दे आर पुअर और रिच, हेंस इट इज क्लियर दैट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट इंडियंस टू ट्रीट इट्स डिफिशियंसी। अनफॉर्चुनेटली चिराग तले अंधेरा वाली कहानी है, हम ट्रॉपिकल कंट्रीज होने के बाद भी ऑथर्स ने जो बताया है वो ये बताया है कि इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद भी हमारी मासेस में जो है, मतलब हमारी जनता में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, चाहे वो
लोकेशन अर्बन हो, रूरल हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नारी हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, हर किसी में विटामिन डी की डिफिशियंसी देखी जाती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके एजुकेटर के पास विटामिन डी की डिफिशियंसी है ही नहीं, बिकॉज आई टेक मिल्क एंड ऑस्टो कैल्शियम वेट, आई टेक मिल्क एंड ऑस्टो कैल्शियम वेट टू कंट्रोल माई विटामिन डी डिफिशियंसी। आप भी लेना शुरू कीजिए आज ही। न्यूट्रिटिव फूड की बात करते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक स्पिरिटेड फाउंडेशन कंपनीज एंड इवन सिंपथेटिक पब्लिक हैव बीन हेल्पफुल इन ऑफरिंग फ्री फूड फॉर क्रोर्स ऑफ पुअर पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर्स। इन एडिशन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली पुअर एंड हैव हैड टू डिपेंड ऑन सच फूड। देयर विटामिन डी लेवल्स मस्ट सर्टेनली बी लेस देन 10 माइक्रोग्राम। टिपिकली दीज फूड सप्लाइज हैव इंक्लूडेड व्हीट और राइस और ग्रेन्स, चना, उड़द एंड लाइक, एंड सम हाईली सब्सिडाइज आइटम्स ऑफ फूड सच एज शुगर, मिल्क एंड सच। वेजिटेबल्स आर नॉट गिवन, रॉ और कुक्ड फूड, दो कुक्ड मील्स आर ऑफर्ड इन सिटीज एंड टाउन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट फाउंडेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑल्सो मेन गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ गिविंग फ्री मिड डे मील स्कीम फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द फीडिंग प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन, द प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज थ्रू आंगनबाड़ीज हैव बीन वाइटल। अगर हम फूड न्यूट्रिशन की बात करें, सो दैट न्यूट्रिशन पॉइंट इज मिसिंग। हम सिंपली दाल चावल और जो भी अनाज होते हैं, जैसे आपका चना हुआ, उड़द हुआ, ये सारी चीज़ें डोनेट की जाती हैं, शुगर डोनेट किया जाता है, और या फिर सब्सिडाइज आइटम्स मिलते हैं, शुगर है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते रॉ और कुक में, दो कुक मील्स आर ऑफर्ड इन सिटीज एंड टाउन्स। कई बार आप लंगर लगते देखेंगे, एनजीओ को अक्षय पात्र फाउंडेशन को देखेंगे, अक्षय पात्र फाउंडेशन इज डूइंग अ गुड वन, एनजीओ का एक एक साइड एंगल लेके चलिएगा। सो कुल मिला के बात ये आती है, व्हेन वी गिव फूड वी डू नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स ओनली द फूड वन। यहाँ तक कि आंगनवाड़ीज में भी देखेंगे, स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम चल रहा है या और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं थ्रू आंगनवाड़ीज, वहाँ पे न्यूट्रिशन वाला जो एंगल है दैट इज मिसिंग वन। गिवन द डेफिसिट इन विटामिन डी, indeed in many other vitamins and calcium, it is highly desirable for the government to consult nutrition expert and institution to advise and suggest the type of nutrition items that can be added to the current ration food given to the poor. Supply free of charge vitamin D, other vitamins and calcium in consultation with medical public. They are excellent Indian companies. So yahan pe ye ho gaya bol bachan inka. Ab hum aage chalte hain, ab is baat ko samajhiye team, ladies and gentlemen, samajhne, are prachi sorry ki zarurat nahi hai, टीम ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम यहाँ पे हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, वॉट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। अब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऐड लेके आइए, इसको ऐड कीजिए इसमें, या फिर मैं आपको लेके चलता हूँ कल परसों की आर्टिकल में 19, 18, 17 को हम लेके चलेंगे। 17 को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बहुत बड़ा एंगल कवर किया है, एंड मैं ये चाहता हूँ न्यूट्रिशन वाला जो पर्सपेक्टिव है उसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में लेके चलें। ये देखिए, मैंने एक आर्टिकल कवर किया था, आई कवर्ड एन आर्टिकल, सो आप मुझे ये नहीं बोल सकते सर आपने झूठ बोला हमसे। क्योंकि मैं आपको एक साथ बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लेट मी चेक वेयर इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बिल्कुल सही बात है नीलम कमलवंशी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 3 और 2, 3 और 15 लिखा है परमार पूजा ने, लेकिन उससे रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी मैं आपको और बड़ा पिक्चर देने की बात कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये हो गया आपके पिक्चर, आपकी कहानी यहाँ पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। ये आर्टिकल मैंने ऐड कर दिया आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं ऊपर लेके आता हूँ। वी आर डन। हमने क्या किया है, आर्मिंग इंडिया पुअर अगेंस्ट पैंडेमिक,
यहाँ पे सिर्फ विटामिन डी पे लटक के मत रह जाइएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ विटामिन डी नहीं होता है। दो तीन आर्टिकल्स और मैंने ऐड कर दिए हैं। इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047, अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ता है तो भी आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी होगी। यू कैन नॉट इग्नोर द न्यूट्रिशन, यू कैन नॉट इग्नोर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्रीज जो हमेशा डेमोग्राफिक डिजास्टर की बात कर, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है। सो इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047 इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है, और आपका यूपीएससी का सिलेबस है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का एंगल लेके चलिएगा, और इसमें सारे को ऐड कर लीजिए। यहां देखिए, सो इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047, आपने यहाँ पे विटामिन डी की डिफिशियंसी सिर्फ नहीं देखेंगे, आप न्यूट्रिशन एज अ होल देखेंगे, न्यूट्रिशन एज ए होल देखेंगे। और मैं जानता हूँ मेघा कीर्ति और प्रणीता रॉय और जितने भी बहुत से लोग हैं, आप लोग दिमाग पे बहुत जोर डाल रहे हैं आंसर लिखने के लिए। इंडियाज रजिस्टर्ड अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है मैटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो में। उसके अलावा हमने बहुत से प्रोग्राम देखे हैं, लक्ष्य इस मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट को कम करने के लिए हमने ये लक्ष्य प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हमारे पास पोषण अभियान है, पीएम्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। अब आगे देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को इसमें ऐड करेंगे, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लेके चलेंगे। हम इसमें बहुत से एंगल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आज के ऐड में देखेंगे तो स्टडी फाइंड्स एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द प्लेसेंटा। यहाँ पे जब इस तरीके का आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका जिस्ट निकालना है कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, आपको रिसर्च स्कॉलर कौन है, कहाँ से फंडिंग हुई थी, किसने किसने अपना ओपिनियन दिया है, उसमें आपको नहीं पढ़ना। सिंपली स्टडी फाइंड्स एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द प्लेसेंटा। यहाँ पे आपके पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है, पॉपुलेशन पी के बारे में, यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, यहाँ मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखेंगे हमने अलग अलग स्कीम जोड़ के आपको दिखाने की कोशिश की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आदेश, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू कैन राइट इट। हमारे यहाँ की एक बच्ची ने वो कमाल किया है, एंड शी इज यूजिंग दिस इंटायर न्यूज एनालिसिस इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल इश्यूज में। यहाँ तक कि उसने जब अपने स्कूल के कॉलेज के असाइनमेंट को सबमिट किया और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और फंडामेंटल राइट को ऐड किया, तो उसके कॉलेज के प्रोफेसर्स भी चकरा गए। ये कहाँ से, ये कैसे हो, क्योंकि आज तक कभी स्टूडेंट ने इस एंगल पे लिखने की कोशिश नहीं की। नाउ आर्टिकल्स रिलेटेड टू डीपीएसपी की बात करते हैं, इक्वल जस्टिस, यहां देख लीजिए, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बी फॉलोड बाय, यहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जस्टिस में क्या होता है, सिर्फ वो कानून वाला नहीं है, जस्टिस क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, आप माइग्रेंट लेबर हैं, आपको जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, आपको पैसे नहीं दिए, आप भूखमरी के शिकार हो गए हैं, तो आपके वोट का मतलब क्या रहा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली जो है हंग्री एंड मैलनरिश्ड है, तो फिर इकोनॉमिकल जस्टिस का फायदा क्या रहा। जस्टिस जो है आइसोलेशन में नहीं चलता, जस्टिस का मतलब एक ट्रायंगुलर है, शिव जी के त्रिशूल की तरह ट्राइडेंट है, ट्रायंगुलर मोमेंट है, और इस पर अगर ट्राईपॉड है, इसमें एक भी पाया अगर तोड़ के गिरा दोगे तो जस्टिस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर जस्टिस सोशल है, इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिकल है पॉलिटिकल नहीं है, तो वो सारा का सारा पायदान नीचे गिर के आ जाएगा। सो यू हैव टू इंश्योर कि ये जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो, और इसीलिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बना के दिया गया है। सो एक बार इन सारी चीज़ों को हम एक इंटीग्रेट करके देखते हैं, सर्टन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ, लिविंग वेज, क्योंकि आपकी पगार नहीं आएगी तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। तो आप जल्दी से, आप चाहें तो अच्छे अच्छे शब्दों में बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक आम आदमी बन के गरिया सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये भारत सरकार की मोदी सरकार, ये कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा है। माय बाप, ये आर्टिकल 47 में बिल्कुल लिखा गया है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। लेकिन इसके बावजूद भी लोग भुखमरी के शिकार हैं,
40% औरतें जो हैं वो एनीमिया के शिकार हैं और उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा है, बोन डेंसिटी की कमी है। सो ये आप आम आदमी की तरह दिल लिख सकते हैं या फिर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सहज भाव से लिख सकते हैं। वाई लुकिंग एट दिस इन व्हेन आई यू नो आप आराम से बैठ के लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। जैसे वाई लुकिंग एट द इंटायर सिनेरियो ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, माई माइंड इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिवन टू दीज पीपल, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, टू सेफ गार्ड देयर राइट्स, टू गिव देम फंडामेंटल राइट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच सेज, विच गिव्स अ क्लियर कट इंडिकेशन, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट, which says that to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. Apart from that, organization of agriculture and animal husbandry, ताकि अगर मान लीजिए खेती बर्बाद हो गई तो गाय के दूध से काम चल सके, गाय के दूध से दही बन सके, बटर निकल सके और आप खेती में भी उनको यूज कर सके। सो ये सारे आर्टिकल्स हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के। अब आइए जल्दी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और उसके बाद से क्लीन वाटर सैनिटेशन को आप ले सकते हैं इस एंगल में। सो ये हुआ पार्टनरशिप फॉर गोल्स कर सकते हैं, जैसे अभी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन चल रहा है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, बट प्राइमरली आई विल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे रुक जाइएगा। सो डीपीएसपी को इंटीग्रेट कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कीजिए, पोषण अभियान को देखिए, लक्ष्य को देखिए, इंडिया इज रजिस्टर्ड फॉर स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो, ये आर्टिकल देखिए, विटामिन डी के बारे में, इंडिया पॉपुलेशन पीक बाय 2017 और यहाँ पे देखिए वर्टिकल ट्रांसमिशन, हम अपनी पॉपुलेशन को कैसे बचाएंगे। और जल्दी से इसमें एक एंगल जोड़िए फोर्टिफाइड फूड का, जल्दी से इसमें एंगल जोड़िए फोर्टिफाइड फूड का, कैन वी गो फॉर फोर्टिफाइड फूड। और हमने जो फोर्टिफाइड फूड अगर देना शुरू किया है तो वो क्या होगा। न्यूट्रिशन की बात कीजिए, यहाँ पे होलिस्टिक नॉरिशमेंट की बात की जाती है, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम अनाज दे रहे हैं इज दैट न्यूट्रिशन वन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम अनाज दे रहे हैं पीडीएस राशन स्टोर पे, वो अनाज क्या क्या है, इज इट फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इज इट फुल ऑफ न्यूट्रिशन और इज ओनली फॉर सबसिस्टेंस सर्वाइवल, क्या ये सब स्टैंडर्ड लेवल का है। उसके अलावा आप होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम अब बदल दिया गया है। सो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और न्यूट्रिशन को देखना होगा स्पेशली। आप अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांग कीजिए, बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ओपिनियन फॉर्म शुरू कीजिए कि इंडिया में न्यूट्रिशन, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को एक बार देख लीजिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देख लीजिए एक बार, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखेंगे आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखेंगे, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट को आप देखेंगे। और इस तरीके से आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को आपने लतियाना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक ग्रिम पिक्चर दिखाना है, वो भी इतना डरावना नहीं कि बिल्कुल बच्चे डर जाएं। ग्रिम पिक्चर, द ग्राउंड रियलिटी आपको दिखानी है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी दिखानी है। उसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स दिखाने हैं आपको कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्या क्या उसमें अचीवमेंट है, उसके बाद से वे फॉरवर्ड आप लिखना शुरू करेंगे या आप लूप होल्स लिखना शुरू करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, और उसके बाद से आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या है। इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डाल सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डाल सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड के बारे में डाल सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसके बारे में डाल सकते हैं, आंगनवाड़ी नर्सेस को कैसे और अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए और अलग अलग स्कीम्स को कोट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आप पॉपुलेशन, और पहली बात ये मैं आपको बताऊं कि कभी भी ये पर्सपेक्टिव मत रखिएगा कि गवर्नमेंट निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं कर सकती है। ये रिपोर्ट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में ये राइट्स आपको मिले हुए हैं। सो ऑलवेज जो है द हिंदू पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है और ऐसा लगता है कि आप क्रांतिवीर के नाना पाटेकर हैं, ऐसा मत सोचिएगा। सो टीम हैव यू गॉट, ये देखिए दो तीन आर्टिकल्स को मैंने कवर कर दिया है क्योंकि सिर्फ आप पढ़ना शुरू करेंगे आप विटामिन डी के बारे में, दैट विल नॉट बी अ सफिशिएंट आंसर। सो लेट मी चेक द आंसर हियर, नो प्रॉब्लम मिस तांडी प्राची, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है।
बिल्कुल ठीक है गुंजन पराशर, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, आशा, ओ आशा, इंडियन पीपल आई हैव मोर बिजी देयर वर्क इनसाइड बिल्डिंग वर्क्स। क्या जापान से ज़्यादा बिजी हैं हम? क्या इंडोनेशिया में जो वर्कर्स हैं, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उनसे हम ज़्यादा बिजी हैं? बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू आशा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या आपने बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया? एंड मुझे पता है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे आप। हियर इज रेनफॉल राइट नाउ। आशा चौहान, आप में इतना इंप्रूवमेंट तब से हुआ जब तक आपने बिल्ली वाला डीपी लगा के रखा, आप बिल्ली की तरह बनी रही। लेकिन जब से आपने बब्बर शेर वाला डीपी लगाया है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। तो सब लोग अपने परफॉर्मेंस में अच्छे अच्छे जानवरों का पिक्चर लगाएं। कोबरा का पिक्चर मत लगाएगा कोई, मैं डर जाती। आदेश श्रीवास्तव, बेहिचक, आपको अपने आंसर्स में ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। लेकिन सोच के देखो ना, सिर्फ कहानी अच्छा थोड़ी लगता है, आपको अपने आंसर्स को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अलग अलग प्रोविजन को लेके चलना होगा। शांभवी दुबे, ओके, द लायनस इज अवेकन नाउ। बहुत अच्छी बात है। एसडीजी 123 लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। परमार पूजा ने एक वर्ड दिया, हिडन हंगर, थैंक यू सो मच। नीलम गमलवंशी कहती है, इट्स ओनली सर्वाइवल नॉट न्यूट्रिशन। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसको जरा सब्सटेंशिएट कीजिए। अगर आपने कहा है इट्स ओनली सर्वाइवल नॉट न्यूट्रिशन, तो आप इसके डिफेंस में क्या कहने जा रहे हैं? गुंजन पराशर, कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू फील नाउ? अभी तक का आपने बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड आंसर दिया है गुंजन। इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट दीज एसेंशियल्स इन मोर बेटर वे। एसडीजी 23 आर्टिकल 47 डीपीएसपी गिव बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन। शांभवी दुबे, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, प्रिवेंट इंफ्लेमेशन ऑफ टिश्यू, पोषण अभियान लक्ष्य, ओके। आशा चौहान, टीम मजा आया। एक बात मुझे अखर रही है, एक बात मैं देख नहीं पा रहा हूं, और वो ये है कि हमने न्यूट्रिशन के एंगल से कुछ नहीं बोला, फोर्टिफाइड फूड के एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, और आपने ये नहीं बोला, आपने ये नहीं बताया कि सर, एक मिनट में देख लू जरा। आकांक्षा वर्मा, मधु, थैंक यू। परमार पूजा, गवर्नमेंट गिवन गिव व्हीट मोर इन कंपैरिजन टू राइस बाय पीडीएस। आपने एक बार भी फोर्टिफाइड फूड के बारे में कुछ नहीं लिखा। मेघा कीर्ति, प्रणीता रॉय, जॉय श्री, लक्ष्मी शर्मा, आपकी आवाज़ शांत क्यों हो गई है? नए बच्चे जो लोग हैं वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? आपका एजुकेटर, संडे के दिन बारिश हुई है, मैं चाय पकौड़े लेके बैठ सकता था, लेकिन अपने मन को मार के, अपने मन को कंट्रोल करके मैंने अपनी मेड से को कुछ भी नहीं बोला। मेरे घर में बेसन है, मेरे घर में रिफाइंड ऑयल है, मेरे घर में दूध है, चाय पत्ती भी है, लेकिन मैंने मन महसूस के बोला नहीं, मुझे जाके पढ़ाना है बच्चों को, इसीलिए मैंने चाय और पकौड़े का त्याग करके इस क्लास में मैं आया। और उसके बावजूद अगर बच्चे ना बोले तो कैसा लगेगा? गुंजन पराशर, आप सर, यू स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग गुंजन। शांभवी दुबे, मैंने बोला था ना कि आपके अंदर का जो सुल्तान है, आपके अंदर का जो टाइगर है, लायनेस है, दैट विल कम आउट, और वो धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। कोई है, कोई और है जो अपना ओपिनियन देना चाहेगा फोर्टिफाइड फूड के परस्पेक्टिव से? बिल्कुल आदेश, उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंड दैट इज द बिग क्वेश्चन। द फूड दैट यू आर सर्विंग, जो आपके पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फूड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज दैट सफिशियंट इनफ टू गिव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट? आपने ये बता दिया, आपने 5 करोड़ जनता को कवर कर दिया, लेकिन आपने आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में सोचा ही नहीं, उसका रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, देन वॉट विल हैपन? सारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ दीज थिंग्स। आगे चलते हैं, एक आर्टिकल देखेंगे।
स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस, हम यहाँ ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ये आज का होगा। संडे को थोड़े से कम आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, बस संडे को आप कवर कीजिएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो जो आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं अगर आप उनका उनको अच्छे से क्लब करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो एक साथ कम से कम 10-10 टॉपिक कवर होंगे, एक साथ आपके 10-10 टॉपिक कवर होंगे। तो आज हम फोर्टिफाइड फूड के बारे में कुछ बता दीजिए सर। अरे फोर्टिफाइड फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब ये होता है किला, मजबूती, अभेद किला। फोर्टिफाइड फूड में क्या करते हैं आप कि फूड में फॉर एग्जाम्पल आटा है, आटा में आपने कुछ सप्लीमेंटेशन मिला दिए जो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफ़ी के साथ बटर ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी देता है, है ना। या फिर मैं मिल्क ले लेता हूँ, मिल्क मुझे ऐसे डायरेक्ट लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको किसी और ब्रेकफास्ट के टाइम में किसी और चीज़ के साथ, ओट्स के साथ ले लेता हूँ। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जो नेचुरल फूड है, जो नेचुरल तत्व हैं, नेचुरल फूड में आप कुछ एडिशनल वाइटमिन एंड न्यूट्रिशन की मिक्सिंग करते हैं ताकि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब जाए तो जो आटा आप लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी फोर्टिफाइड आटा है, उसमें वाइटमिन मिले हुए हैं। कोरोना पैंडेमिक के बाद से जब मैं मार्केट में ब्रेड खरीदने गया तो उस ब्रेड का नाम था इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेड, उसमें बहुत ढेर सारे सीड्स थे, मल्टी ग्रेन ब्रेड था, तो वो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड हुआ। मतलब अपने फूड को आपने और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना दिया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है, दैट इज़ नोन एज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हम डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओ माय गुडनेस, बिल्कुल सही है पवन। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने डिवॉर्मिंग सुना होगा, डिपेंडाल एम का नाम सुना है आपने, आपने डिपेंडाल एम का नाम सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट डिपेंडाल एम? एक मिनट रुके, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूं। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, नीतीश कुमार गवर्नमेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो एग्जांपल क्या है? डीवॉर्मिंग रिमूवल ऑफ वॉर्म्स फ्रॉम द स्टमक थ्रू मेडिकेशन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेघा, अभी नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने बिहार सरकार में कुछ साल पहले उन्होंने डीवॉर्मिंग कैंपेन चलाया था स्कूल में, स्कूल के लेवल पे, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे हैं होते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो वाले कीड़े नहीं, कॉकरोच मॉस्किटो नहीं, ठीक है, गट बैक्टीरिया, गट में कीड़े हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब आपके पेट में ये वॉर्म्स होंगे तो आप जो भी खाना खाएंगे वो उसको खाते चले जाएंगे और आप मैलनोरिस्ड हो जाएंगे, दे विल वर्क एज अ पैरासाइट। सो नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी 5 से लेकर 8 साल के बच्चे थे उनके लिए, या फिर अप टू 10th लेवल में जितने भी बच्चे थे उनके लिए डिवॉर्मिंग कैंपेन चलाया स्कूल के लेवल पर। इस बात को निर्धारित किया कि हर बच्चे को इसकी गोली दी जाए और कुछ सालों में जो डिवॉर्मिंग से रिलेटेड मैलन्यूट्रिशन का लेवल था वो जूम करके नीचे आ गया। इसी तरीके से आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की बात करें तो इस आयरन एंड फॉलिक एसिड की नीली गोलियों की जो कीमत है, जो मैक्सिमम प्राइस आएगा वो 1.10 रुपये आएगा पर वुमेन, और जेनेरिक मेडिसिन हैं तो उसमें और भी कम हो जाएगा। तो हमें अपने न्यूट्रिशन लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस का प्रॉब्लम क्या है? स्टेक होल्डर्स का। कैन वी इंश्योर, क्या हम स्कूल के लेवल पे न्यूट्रिशन डिसाइड कर सकते हैं? अगर हम स्कूल के लेवल पे न्यूट्रिशन डिसाइड करने लगे, अगर हम स्कूल के लेवल पे हम ये अकाउंटेबिलिटी दे दें दैट यस यू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ये मामला बहुत हद तक
हल हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज करते हैं, बस इतना ही सुना है, बिल्कुल पवन इनामदार यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, गट इन्फेक्शन के लिए। प्राइस इज वेरी लेस, बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। डिवॉर्मिंग कैंपेन बिहार में नीतीश बहुत से गवर्नमेंट करते हैं, बट मैंने नीतीश कुमार गवर्नमेंट के बारे में सुना कि हर एक स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इतने साल के बच्चों को ये गोलियाँ आप ज़रूर देंगे साल में दो बार, ताकि उनके अस्टमक में जो भी अनवांटेड और जो भी वॉर्म्स हैं वो निकल सके, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड जो वो खाना खाएं वो उनके स्टमक में रहे और वो न्यूट्रिशन उनको मिलता रहे और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। यू हैव टू गिव पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन, कैन वी इन्वॉल्व स्कूल्स इन द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यस आंगनबाड़ी जो है मिड डे मील जो है वो स्कूल्स में है, बट उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है। That is just a leap up होती, that is just a patchwork। अक्षय पात्र फाउंडेशन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ एन जी ओज लाइक अक्षय पात्र फाउंडेशन, इंडिया के सबसे बड़े एन जी ओज में आता है और मिड डे मील स्कीम में बहुत बड़े लेवल पर अक्षय पात्र फाउंडेशन अपने सपोर्ट करता है। सो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ओके गुड। तो शगुन, मेरे कहने का मतलब यह है बच्चे कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े किताबों की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड बुक की जरूरत है, लेकिन आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब आप बस में जाएं तो बस की दीवारों पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट हो तो पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें यह मत पढ़िएगा आज देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग, किसमें, द सीक्रेट गेम्स में, या फिर आज देखिए क्या नंदिता को उसका सुहाग वापस मिल पाएगा, देखिए माँ संतोषी माता का, संतोषी माता का आशीर्वाद देखिए वो कैसे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, क्या भोलेनाथ का डमरू बजेगा, क्या भोलेनाथ का नंदी वापस लौटेगा, क्या वंश को उसकी साक्षी मिलेगी, आइए देखते हैं रात 9 बजे मंडे से लेके सैटरडे तक। वो वाले आपको चीजें नहीं देखनी है, आप मेट्रो ट्रेन में जब ट्रेवल कर रहे हो, बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट की बसेस हैं तो बट ऑब्वियसली ये वाहियात एडवर्टीजमेंट उसमें नहीं होंगे। गवर्नमेंट की बसों पे देखिए, महिला हेल्पलाइन के बारे में देखिए, सीआईएसएफ, जो भी आपके यूपीएससी का सिलेबस आपको याद होना चाहिए, और आप उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को देख के चलना शुरू कीजिए। आप जो गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए और आपके यूपीएससी का सिलेबस ऐसे ही तैयार हो जाएगा। सो शगुन, हैव यू गॉट द आइडिया? शगुन तोमर, Have you got the idea कि आज के बाद से आपको अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा करना पड़ेगा? ओके, एल्बेंडाजोल, देखिए हमारे लोकेश बाबा हैं, इन्होंने एल्बेंडाजोल बता दिया। फूड नॉट जस्ट फॉर सर्वाइवल बट फॉर होलिस्टिक हेल्थ, विद इंक्रीज इन पैंडेमिक द पॉपुलेशन हैज फेस्ड द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर बैलेंस डाइट, ट्राइंग टू सर्वाइव इन द टाइम। ओके ठीक है गुंजन, बोलना शुरू कर दिया आपने, आगे चलते हैं। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज स्ट्रगलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, अब हम थोड़े से इंसानी बातें कर लेते हैं। सर्वे हाइलाइट्स नीड फॉर मोर एक्सेसिबल मटेरियल। अब ये देखिए, हमने एजुकेशन सिस्टम में, अगर आपने राइट टू एजुकेशन की बात की, टीम एक बात देखिएगा, हमें अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं ना, हम रेत के किले बनाने में बहुत अच्छे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ग्राउंड रियलिटी को देखे बिना बहुत सी चीज़ें कर डालते हैं। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम पढ़ा है, जो कि अब आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपने डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपने डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा है क्या? प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, क्या आपने राइट टू एजुकेशन में डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल कवर किया है? प्लीज डू लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं आपको असम के बारे में कुछ और डिटेल्स दे देता हूं, ताकि आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करें कि हमारे पास तो इतना नॉलेज है
कि पूरी धरती को उठा के हम इधर पूरा सर आसमान पे उठा लेंगे, आसमान सर पे उठा लेंगे। कल मैंने यहाँ पे कैसे पानी मिट्टी के कटाव को रोका जाए और उसमें जियो टेक्सटाइल का कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में मैंने कल वचन दिए थे, अपने विचार दिए थे। जियो टेक्सटाइल को आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा कल एक डिसेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपके सामने अभी कवर करने जा रहा हूँ, अभी कवर करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बियॉन्ड द पेल अशोक गहलोत गवर्नमेंट माइलस्टोन अ मिलियन, और यहाँ पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल कहाँ है? कहाँ गया वो आर्टिकल? प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड, अपना आंसर देते रहिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। यस, आई गॉट द आर्टिकल। और अब इस आर्टिकल को आप इंटीग्रेट करके जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अमरेंद्र बाहुबली हैं। क्या लगेगा? आप अमरेंद्र बाहुबली हैं, क्योंकि आप सिर्फ थोथी बकवास नहीं करते। हम क्या करेंगे? डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी के साथ हम ये भी ऐड करेंगे। हियर इट इज। यस, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट विल डू। अभी तक जो एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो फैसिलिटीज मिलती थी, जो रिजर्वेशन मिलता था, उसको सरकार ने एक्सटेंड किया है। एक मिनट रुकेगा, ये मेरा सिस्टम बंद हो गया, इसको फिर से खोलता हूं मैं। ये आर्टिकल डे बिफोर यस्टरडे कवर किया गया था, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी रिजर्वेशन नीड्स टू बी गिवन टू फॉलोइंग आर्टिकल 14 एनसीएससी एनएससी एसटी एनसीबीसी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट दैट डिसेबिलिटी डिसेबल पीपल मस्ट बी गिवन ऑल बेनिफिट दैट एससी एसटी पीपल एंजॉय। यस आदेश श्रीवास्तव, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम सोशियोलॉजी में इसको हम यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ देखिएगा, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड एंड रिलैक्सेशन गिवन टू एससी एसटी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, मैंने कवर किया है उसको दो दिनों पहले। तो मेरे दोस्तों, घबराइएगा नहीं, आप आगे बढ़ के इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड एंड रिलैक्सेशन गिवन टू एससी एसटी कैंडिडेट्स। ये कल का आर्टिकल है, पढ़िएगा। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस। ये दोनों आर्टिकल्स को क्लब कर लीजिएगा और आपके पास बहुत बढ़िया सा जमावड़ा हो जाएगा। और आदेश श्रीवास्तव, आप मुझे मैसेज करके बोलेंगे, सर आई डोंट थिंक दैट somebody कैन ट्रेन मी इन सोशियोलॉजी। मुझे लगता है मैं अपने आप को खुद ट्रेन कर सकता हूँ बाय रीडिंग न्यूज़पेपर विद अ प्रॉपर एंगल एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब चलते हैं, ये आर्टिकल पढ़िएगा बच्चों, थोड़ा सा टाइम की किल्लत है। अब चलते हैं, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस। सर्वे हाइलाइट्स नीड फॉर मोर एक्सेसिबल मटेरियल। आपने आरटीआई बनाया, राइट टू एजुकेशन आरटीई बनाया, अगर उसमें आपने डिसेबिलिटी वाले एक्सेस, डिसेबिलिटी वाले एंगल को इंटीग्रेट नहीं किया, देन इट्स गुड फॉर नथिंग। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू अ सर्वे हैज सेड दैट ऑनलाइन लर्निंग वॉज प्रोवाइडिंग टू बी अ बिग हर्डल फॉर देम। 56.5% of the student with disability said they were struggling yet attending classes irregularly, while around 77% of the students said they would not be able to cope and would fall behind in learning due to their inability to access distance learning methods. The report titled Digital Education in India, Will Students with Disabilities Miss the Bus? was released on Saturday. Two surveys were conducted by Swabhiman, a community-based organization and disability legislation unit of Eastern India of the National Center for Promotion of Employment for Disabled Person. आपके NGOs का रोल आपके UPSC सिलेबस में आता है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। As many as 90% of the responders from Odisha and remaining 10% from Jammu and Kashmir, Haryana, Puducherry, Madhya Pradesh. The sample size induced 2,178 students from class 1. और इतने पेरेंट्स भी थे और इसमें अडल्ट्स भी थे। द डिसेबिलिटी कैटेगरीज जो थी वो थी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस एंड मल्टीपल डिसऑर्डर। वर्ड्स को याद कीजिएगा, शब्दों को, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, रिपोर्ट सेड दैट पेरेंट्स ऑफ 90% ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी सेड
Teachers were not giving them attention. 86% said they did not know how to use technology. Large portion of teachers, 81%, said they did not have accessible educational material suitable for online learning. Teachers also reported that 64% of the students did not have smartphones or computers at home. 67% of the students expressed the need for laptops, smartphones or tablets for educational purposes, while study material in formats suitable for children with disabilities. Apart from that, they needed data, Wi-Fi support, and 61% expressed need for scribes, readers and attendance. No sign language interpreters were present in the webinars. Report also recommended material in alternative formats while recognizing that all children with disabilities cannot club into one group as they are persons with different needs. So differently abled, disability, divyangjan ki humne baat ki hai, team, divyangjanon ki humne baat ki hai, bahut acha word lagta hai. You call a handicapped a divyangjan ya kuch bhi keh lijiye, but ground reality remains the same. Team, do you agree with me or not? आप एक डिसेबल पर्सन को दिव्यांग कह लीजिए, बट रियलिटी उससे बदल नहीं जाती. कागज के फूलों से खुशबू आती नहीं, जनाजे को कितना भी सजा लो उसमें रूह नहीं आती. एक डेड बॉडी पे कितनी भी माला चढ़ा लो, कितना भी फूल चढ़ा लो, बट जनाजे को कितना भी सजा लो उसमें रूह नहीं आती. कहने का मतलब यह है, आप एक डिसेबल्ड पर्सन को, आप उसको दिव्यांगजन कह लीजिए, स्वरांगजन कह लीजिए, देवता का रूप कह लीजिए, बट उससे ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होने वाली. हमने डिजिटल, इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने की होड़ लगी हुई है और हर जगह देखा जाए ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स ने स्टार्ट कर दिया है, बट देयर इज नो वे आउट टू हेल्प द डिसेबल्ड चिल्ड्रन. डिसेबिलिटी हैज बिकम अ कर्स फॉर दीज स्टूडेंट्स. ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम कोई साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है. डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को एक अलग तरीके के लिटरेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग तरीके के लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है. हमने डिसेबल्ड को एक कैटेगरी में डाल दिया है. डिसेबल्ड, दे आर डिसेबल्ड, बट उनको सारे को एक कैटेगरी में मत डालिए. दे आर डिफरेंटली एबल्ड. किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस है जिनको कि समझने में टाइम लगता है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जिनके, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज हैं, स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस. सो यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा, फंडामेंटल राइट्स को देखना होगा, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे आप डिग्निटी वाला एंगल यूज करेंगे, प्रीएम्बल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. व्हाट अबाउट डिग्निटी? डिग्निटी वर्ड का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. प्रीएम्बल में ये वर्ड डिग्निटी आता है. डिग्निटी, व्हाट एग्जैक्टली इज डिग्निटी? डिग्निटी इज नॉट मेयर सर्वाइवल एज अ ह्यूमन बीइंग, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल. Like animals, it is living with dignity. आप disabled हैं, but again you are not discriminated because of your disability. आपके multiple disorders हैं, but at the same point in time you are not vulnerable for exploitation. कहना आसान है, मिलना बहुत मुश्किल है. आप बैंक की सीढ़ियों को जाके देखिए, schools की सीढ़ियों को जाके देखिए, उसमें कोई भी ramp नहीं दिखेगा. आप roads को जाके देखिए, वहाँ पे कोई भी, आपको रैंप का मतलब क्या है, कोई सीढ़ीदार ढलान नहीं दिखेगा जिसमें ये डिसेबल लोग अपनी साइकिल्स को, गाड़ियों को लेके जा सकें. अभी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है गूगल ने, सुंदर पिचाई ने. $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है. क्या हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ डिसेबल लोगों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं? Can we create something with the help of digital tools so that we can train these differently able people in our society? Can we do that? क्या हम इसको sustainable development से add कर सकते हैं कोई चीज़? क्या हम इसको fundamental rights से add कर सकते हैं? DPSP से दिव्यांगजन का जो formula जो current government ने दिया, what is the reality about that? So here it is. आपको दो articles दिए गए हैं and I can challenge you. फॉर इक्वल ट्रीटमेंट कल गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि जो भी रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को एक्सटेंड किए जा रहे हैं, वो रिलैक्सेशन आप डिसेबल्ड को भी एक्सटेंड कीजिए. अब देखिए एक चीज यहां पे दिया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट हैज साइटेड एबिसमली लो लिटरेसी रेट and employment rates among persons with disabilities. Educational indicators captured in 2001 census showed that illiteracy among the disabled was much higher in the general population figure. The share of disabled children out of school was quite high other than major special categories. 2001 census mein ye bataya gaya tha, literacy rate among a disabled is 51%.
सिमिलर एविडेंस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। इस आर्टिकल को आप दिल से पढ़िएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, दोनों को क्लब कीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा उसको आंसर को देखते हुए ही एग्जामिनर का क्या हाल होगा। एग्जामिनर जैसे ही उस आंसर को देखेगा बोला आइला ये क्या लिखा, वाओ इट इज अ नाइस आर्टिकल वाओ। सो ये देख लीजिएगा, ये आर्टिकल मैंने आपके लिए बड़ी शिद्दत से निकाला है। Kiran Sudar with the Supreme Court verdict tried to provide some relief with Article 1421 NCSC NCBC with digital divide, the need for the focus on more education material, laptop, internet and teaching staff to take care of them differently. Okay? ठीक है कंचन ठाकुर, बोलना तो शुरू किया, आज सवा किलो लड्डू चढ़ाइए हनुमान जी के मंदिर में, सवा किलो लड्डू चढ़ाइए कि आज सर मैंने पहला अपना एक लाइन लिखा है शशांक सर की क्लास में और मैं वचन देती हूं कि हर एक दिन के साथ मैं दरिया के सैलाब की तरह अपनी लिमिट्स को तोड़ के आगे बढ़ूंगी। मेघा मेघा मेघा, एक काम कीजिए, आप एक बादल की तरफ बारिश मत कीजिए, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ मत बरसिए, आप क्या कीजिए, आपने जैसे दिखा है वी नीड टू चेंज आवर परसेप्शन। ये तो परसेप्शन की बात हो गई, ये तो सोशल डेवलपमेंट की बात हो गई, मान लिया, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इन्वॉल्व कीजिए और लेजिस्लेटिव एंगल इन्वॉल्व कीजिए, NGOs को इन्वॉल्व कीजिए और मल्टी प्रॉन्च्ड अप्रोच लेके अपना आंसर देखिए। आपने जो दिया है वो सिर्फ एक वन डायमेंशन है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सिंगल डायमेंशन है, तो बाकी डायमेंशन कहां है मेघा जी। प्रणीता जी ने लिखा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, देर आर अ न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम जनरेटेड बाय पैंडेमिक सिचुएशन बिकॉज ऑफ दीज चिल्ड्रन नीड ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर फंडामेंटल राइट वायोलेशन। प्रणीता आप इसमें और अच्छा कर सकती हैं, और अच्छा कीजिए, आप अच्छा करने जा रही हैं, आई नो दैट। ठीक है कंचन ठाकुर, और लड्डू जरूर चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और वादा कीजिए अपने आप से कि आज के बाद से कंचन ठाकुर जब आंसर लिखेगी तो बादल गरजने लगेंगे, अर्थ शेकिंग इंसिडेंट, बिकॉज माई आंसर विल बी अप्रिशिएटेड, बहुत ही बैलेंस्ड होगा, यूपीएससी के सिलेबस से होगा, और मैं जब भी आंसर लिखूंगी तो उसमें इमोशनली होके नहीं लिखूंगी, मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड होके यूपीएससी के सिलेबस को गाइडलाइंस को देखते हुए अपने आंसर को लिखूंगी, यही बात मैं कहना चाहूंगा। बाकी और आदेश श्रीवास्तव से, और उसके अलावा जो भी नए बच्चे आए हैं, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, शगुन तोमर से मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं गुंजन पराशर से, मैं बात कहना चाहता हूं नए बच्चों से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज, परमार मोहम्मद काजमी आर यू ओके, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। शांभवी दुबे Congratulations, you are going ahead. आशा चौहान, आप अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ रही हैं और स्लोली एंड स्टीडली मैं देख सकता हूं कि एक छोटा सा पौधा जो है आज वो बरगद के पेड़ का रूप लेने के लिए तैयार है। परमार पूजा, यू आर डूइंग गुड। प्राची तांडी, यू हैव स्टार्टेड, आप टेक ऑफ कर चुकी हैं, लैंड मत कीजिएगा जब तक यूपीएससी का किला फतेह नहीं हो जाता। ठीक है टीम, अब मेरा गाना गाने का टाइम आ गया है, बिकॉज आई एम हंग्री एंड मैलनॉरिस्ट, मुझे लगता है आई एम हंग्री एंड मैलनॉरिस्ट एंड आई हैव सप्रेस्ड माय इमोशंस सिंस मॉर्निंग। मैंने प्याज के पकोड़े नहीं खाए, चाय नहीं पिया, अदरक वाली चाय पीने का दिल कर रहा है, बालकनी में मैं बैठना चाहता हूं और बारिश की बूंदों का मजा लेना चाहता हूं, और आज गाना चेंज होगा, आज गाना बजेगा ताल का, ताल से ताल मिला। Disabled dignity is time to skill, reskill, upskill, which can help in bringing better education system for them. Akanksha, जो reskilling, skilling, reskilling and upskilling है, वो एक level के बाद आता है, वो एक level के बाद आता है, ठीक है? Skilling, reskilling and upskilling जो है, वो अभी इस stage पे आप disability के context में अभी use मत कीजिएगा, वो valid नहीं होगा, मजा नहीं आएगा answer में। मधु कंपलसरी एजुकेशन तो है, मधु कंपलसरी एजुकेशन है, बट प्रॉब्लम इस बात का है, कंपलसरी एजुकेशन है बट प्रॉब्लम इस बात का है कि आप मैंडेट कर दोगे नहीं तुम्हें स्कूल आना ही, ये बच्चा जो चेयर पे बैठा हुआ है ये कैसे आएगा स्कूल में, अगर स्कूल में भी आ गया तो बस में अगर इसको चढ़ना होगा तो ये कैसे बस में चढ़ेगा, क्या आपने कोई फोल्डिंग या कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, या फिर स्कूल में इसको जाना होगा या टॉयलेट जाना होगा, तो व्हाट फैसिलिटीज डू यू हैव। मान लीजिए एक फीमेल चाइल्ड है और मेंटली डिस्टर्ब है, इसको कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर दे, देन आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा अपने बारे में। और मेंटली डिस्टर्ब की अगर बात करें, डिसेबल लोगों की बात करें, तो दे आर मोर वल्नरेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन।
टीम ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें इस एंगल को लेकर चलना होगा। रीस्किलिंग अपस्किलिंग वाला एंगल नहीं आएगा, कंपलसरी एजुकेशन वाला एंगल नहीं आएगा। मधु जी इस बात को सुनिएगा, इसमें एंगल आप लेके आइए दैट दे आर मच मोर वल्नरेबल। और इन सारे लेजिस्लेशन से पहले हमें ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है सो दैट दे आर नॉट नेग्लेक्टेड लॉट ऑफ आर सोसाइटी एंड सो दैट दे कैन कॉन्स्टिट्यूट, दे कैन ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी एंड दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एज अ स्टेक होल्डर इन आर सोसाइटी। अरे बच्चे लोग, चाय पकौड़ा छोड़ो, यहां सुनो, मैंने जो आपको बोला वो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? SDG 14 राइट टू एजुकेशन सॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वी गेट राइट टू डिग्निटी ए न्यू स्टेप टेकन दे आर गेटिंग इक्वल रिलैक्सेशन एज सुप्रीम कोर्ट आर गेटिंग आर्टिकल 19। शांभवी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन किया आपने, राइट टू डिग्निटी अ न्यू स्टेप टेकन दे आर गेटिंग इक्वल रिलैक्सेशन एज SC आर गेटिंग। ओके फाइन शांभवी, थोड़ा सा अपने शब्दों को थोड़ा सा तोल मोल के और पॉलिश कीजिए। और चलिए अब आपसे विदा करता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, अब मैं मिलता हूँ बिकॉज मेरा भी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट? गॉड ब्लेस यू बॉयज। एंड यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट मल्स ऑस्ट्रेलिया एंट्री इनटू मालाबार। तो यहाँ पे आप क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट विल यू रीड, आप क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा आप पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे आप, इससे कंपैरेटिव एनालिसिस में आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद से आप मालाबार के अलावा मालाबार ड्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर पढ़ेंगे आप, एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर पढ़ेंगे जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में आ रहा है, इसको प्रपोज किया गया है जापान और इंडिया ने मिलके, एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरन सर्विस, इन फैक्ट ऑल द ऑफिसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज, मे गॉड ब्लेस यू। संडे का बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए और अपनी एनर्जी को, अपने आप को नरिश कीजिए, आज अच्छे से डाइट लीजिए, रेस्ट कीजिए और कल से अगले 6 दिनों की लड़ाई का बिगुल बजा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। और आप चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आज मैं गाना नहीं गाऊंगा, आज मैं सीधा